जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है। काफिर होते कौन है? नंबर एक है जो रिफ्यूज करे या इनकार करे किसी चीज का, नंबर टू नाशुक्री करने वाला, नंबर तीन छिपाने वाला। लोगों को वेद थोड़ा समझने में मुश्किल हुई तो फिर कुरान लिखे गए, क्या ऐसी कोई किताब है वहाँ? ये दावा है, ये क्लेम है जो फैला दिया गया है कि हम समझाएंगे नहीं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जो लोग कह रहे हैं हम समझाएंगे उन सब में आपस में डिस्प्यूट्स क्यों हैं? ये फतवा जारी कर देना क्या होता है? मैंने बताया ओरिजिनल तो फतवा था ही नहीं, फतवा इस्लाम के बारे में पूछने को कहते हैं। तीन बार तलाक कहने से क्या तलाक हो जाता है? कुरान ने कहा तलाक मरतान, कि तलाक दो बार की तो वैलिड है, तीसरी बार के बाद अलग हो जाए। तो ये दो बार का मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया तलाक तलाक, या तीन बार का मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया तलाक तलाक तलाक। एक वर्ड है हलाला, उसके बारे में बताइए। ये व्यभिचार है और इसको बाय फोर्स खत्म होना चाहिए, इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। सनातन में और इस्लाम में दोनों धर्म में क्या कुछ समानताएं हैं? क्या रिलीजन और मजहब, ये तो सैकड़ों हैं, धर्म तो एक ही रहेगा। ग्रंथ जो होंगे ईश्वरीय वो किसी एक की बपौती नहीं हो सकते, ना वेद ब्राह्मण की बपौती हो सकते हैं और ना मुसलमानों के जो मुसलमानों के घर पैदा होने वालों की ठेकेदारी कुरान पर हो सकती है। ऐसा क्यों है कि जहाँ पर मंदिर थे वहाँ पर मस्जिद भी है? इस्लाम ये कहता है कि वहाँ पर नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं है किसी को अगर तोड़कर बनाया जाए। तो अगर किसी जगह ये प्रूफ हो जाए कि ये जबरदस्ती ज्यादती के साथ में तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो वहाँ नमाज पढ़ना जायज नहीं है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्म लाइव पर स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। धर्म संवाद के इस एपिसोड में आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो थोड़े ज़्यादा खास हैं, क्योंकि आप सभी के रिक्वेस्ट पे ऐसा हो रहा था ना कि हम पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ सनातन धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे लोग आ रहे थे, इस्लाम के बारे में बहुत सारे सवाल आने वाले कुछ समय से आने लगे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। सबने कहा कि आप किसी को बुलाइए जो हमारे धर्म की खूबसूरती के बारे में बताए, ये जो लोग बटे हुए हैं इनकी सोच को चेंज करें, जो भी चीज़ें बहुत सारे लोग आते हैं और जो बातें करके जाते हैं उनको भी वो क्लियर करें। तो सारे क्वेश्चंस तैयार किए और आज हमने ऐसे ही एक मशहूर इंसान को अपने स्टूडियो में बुलाया हुआ है, सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पे, धर्मा लाइव पे। जैसा मैंने कहा कि आप बहुत मशहूर हैं, आपकी बातें इतनी अच्छी हैं कि आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी लोग बातें सुनना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा नापसंद भी करते हैं। जो नापसंद करते हैं खैर हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हाँ आपके चाहने वाले बहुत हैं ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम में एक चीज़ कही जाती है तारिक साहब की, जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है। काफिर होते कौन है, मैं ये जानना चाहूँगी। काफिर शब्द के तीन अर्थ हैं, तो एक वर्ड है एक लैंग्वेज का, तो उसके लिटरल मीनिंग तीन हैं और इन तीनों मीनिंग में कुरान में ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली आया है। नंबर एक जो रिफ्यूज़ करे या इनकार करे किसी चीज़ का, नंबर टू अकृतज्ञ अनग्रेटफुल नाशुक्री करने वाला, नंबर तीन छिपाने वाला वन हु हाइड समथिंग, ये और तीनों में बहुत एक्सटेंसिवली आया है और ऐसी आयात हैं जहाँ पर हम तीनों से अर्थ लेते हैं। अब एक एक को मैं डिस्कस कर लें। पहला है नहीं मानने वाला या इनकार करने वाला। मेरी गाड़ी बाहर गलत जगह पार्क की हुई हो और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ दरा संचित वो थोड़ा सा नीचे जाके बोल दीजिए ना, इसे डिस्प्लेस कर, इसे हटा दें। अब संचित कहे मैं नहीं जाता, या ये या मुँह से नहीं कहे बैठे रहे यहीं पर, तो मैं कहूँगा नहीं मान रहे या आप मना कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इनसे कहा ही नहीं कि ज़रा प्लीज़ कर दें ऐसे, और कहता रहूँ कि ये मान नहीं रहे ये मना कर रहे हैं, तो मुझे राइट नहीं है ना। अगर पहले तो तुम ये बताओ कि इस्लाम वाकई ऐसी चीज़ है कि लोग माने, उसके कोई अच्छे पहलू हैं, कुछ ऐसी चीज़ है कि जो अप्रिशिएट करने की, ऐसे बताओ को कि दावा नहीं हो। ये तो फिर हर एक अपना अपने अपने दावे ठोक देगा। ऐसे बताओ कि दावा नहीं हो, उसे तुम दूसरे के मेंटल लेवल पर जाने के बाद ऐसे बता सको क्योंकि समझ में आए। फिर वो मना करे और इनकार करे तो हम कह सकते हैं इसने मना किया, उससे पहले तो कहने का राइट नहीं है जब तक कहा नहीं। अब इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने उल्टा पेश किया है हमेशा, तो इनको तो कहने का राइट नहीं है, तो ये नंबर एक बात। नंबर टू है छिपाने वाला या हाइड करने वाला। छिपाते हैं किसी कीमती चीज़ को लोग छिपाते हैं, ये कहते हैं इनका दावा है मुस्लिम्स का, मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, उनका दावा है कि भाई हमारे पास सबसे कीमती चीज़ कुरान है, सेफ वर्ड ऑफ गॉड।
तुमने छुपाया या नहीं छुपाया या तुमने लोगों तक पहुंचाया है। अब अगर इनकी बात नहीं, इनसे वो पहले अगर कभी कभी किसी स्टेज के ऊपर कुछ, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो स्कॉलर्स हो पंडित हो, उन्होंने अगर वेद को छुपाया, लोगों से दूर किया, तो वो काफिर थे। अगर कहीं पर कुछ पादरियों ने जो सही शिक्षाएं हैं जो बाइबल की उसे छुपाया है और पीस मिल में अलग अलग चीज़ें जो है वो लोगों को बताते हैं, तो वो काफिर। और ऐसे ही इन्होंने अगर जो सही शिक्षाएं हैं उसे रोक कर कुछ और चीज़ें फैलाई हैं, तो फिर ये काफिर होंगे। मेन बात तो ये है कि तुमने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, बताया या नहीं बताया। तो अगर छुपाने के मुजरिम है तो फिर काफिर कौन। तीसरी मीनिंग अनग्रेटफुल, ना शुक्रा। अब नाशुक्री जो होती है वो ऐसे होती है कि डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू बहुत से होते हैं। जैसे आपने मुझे एक फ्लावर वेस प्रेजेंट किया, अच्छा बड़ा सा। तो अब किसी दिन आप आए मेरे घर और ये देखें कि मैं उसे उठाने के बाद वो वॉशरूम लेकर जा रहा हूँ, तो यूज़ तो हो सकता है उसका, उसमें पानी भर के मैं ले जाऊँ वॉशरूम लोटे की तरह। तो ज़िंदगी में फिर कभी नहीं देंगी मुझे कोई गिफ्ट। और देखें कि भाई अच्छा ड्राइंग रूम के अंदर बड़ी कदर से लगाए हुए फ्लावर्स के साथ में, तो अच्छा लगेगा, अपने दिल को अच्छा लगेगा। तो कदर का मतलब ये कि उसका सही यूज़। तो जिनके पास वो उनका अपना पहले क्लेम से बात चले कि ये दावा है कि उनके पास सही ज्ञान है, यही दावा करते हैं, उनके पास सही ज्ञान है, उनके पास अच्छी चीज़ है, उनके पास कोई मुक्ति का मार्ग है। तो तुमने उसकी कदर की है या नहीं की है, दूसरों की तो बात अलग, तुमने कितनी कदर की है। तुम जो कुछ अपने कर्मों से अपने अमाल से जो कुछ फैला रहे हो, तो वो तो नाकदरी है और नाशुक्री है, उसका गलत यूज़ कर रहे हो, मिस यूज़ कर रहे हो। तो जिसने वो दिया है वो तो तुम्हें कभी कुछ देना नहीं चाहेगा। और तो इसके दो मीनिंग तो सीधे सीधे से उनकी तरफ पॉइंट आउट, उनकी तरफ फिंगर रेस करते हैं जो अपने आप को मुस्लिम्स कहते हैं, उनकी मेजॉरिटी की तरफ। एक मीनिंग ऐसे हैं मना करने वाला, लेकिन वो कहने का राइट नहीं है जब तक तुम ऐसे नहीं बता दो साबित करके कि नहीं अच्छा है कि कोई किसी अच्छी चीज़ को। तो ये तीन तो मैंने आपको बताया कि दो तो उल्टे उनकी तरफ लौटते हो, और जो अगर ये कहीं कहा भी जा सकता है किसी को कि नहीं मानता, जब तक बताया नहीं तो नहीं मानने का सवाल नहीं कि वो नहीं मानते कि अच्छी चीज़ है। तो आपने अच्छा करके पेश किया, ऐसे बताया या नहीं बताया, एक। फिर अब मैं कुरान की वर्स बता रहा हूँ, कुरान की आयत। कुरान कहता है, कुरान ने जहाँ डिफाइन किया इसे काफिर शब्द को, बहुत जगहों पर उस ये बताया, काफिर कहा नहीं किसी को, ये कहा कि इसी तरह के लोग काफिर होते हैं। ये नहीं है कि वो मुसलमान के घर पैदा हो रहा है या किसी नॉन मुस्लिम के घर पैदा हो रहा है, ये कहीं नहीं है। कुरान ने कहा वमल्लम याकुम बिमा अनज़ला फौलाइका हुमुल काफिरून, सूरह 5 में है, आयत शायद 47 है या 44। तो जो लोग जो कुछ उसने रिवील किया है, जो उसके पास से उतरा है वर्ड ऑफ गॉड, जो उसके अकॉर्डिंग उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाते, हकम नहीं बनाते, फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाते, आपस में जो डिफरेंसेस हैं कि ये क्या कह रहा है, वही तो काफिर है। तो ये तो मोर देन 90% जो मुसलमान अपने आप कहते हैं वो उसके ग्रिप में आते हैं, इसलिए कि कुरान की तो बात ही नहीं करते। कहीं से बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लोग हैं कि जो रेफरेंसेस देते हैं, तो वो ले आएंगे कुछ हदीसों को बहुत से। और इसके आगे फिर ये कि वो अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी ट्रेडिशन हैं, हमारे जैसे गुरु होते हैं ना, हमारे शेख, हमारे हजरत, उन्होंने ये कहा था, अभी उन्होंने ये कहा था, ये अथॉरिटी है या कुरान या वो अथॉरिटी है। तो जब तुम उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाते, कुरान ने कहा जो इसे जो भी रिवील हुआ, जैसे वेदास हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, तो जो उसके खिलाफ कुछ कर रहा है कहीं पर भी, उसे धर्म समझ रहा है, तो कुरान कहता है वो काफिर है। अगर उसके पास से इवांजल्स, ये गॉस्पल्स जो है वो रिवील हुई उनके थ्रू, जीसस क्राइस्ट के थ्रू, तो जो लोग उसको छुपा रहे हैं या उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो वो काफिर हैं। तो ऐसे ही है कि इसमें तो 90% मुस्लिम आ जाते हैं इसकी, कुरान की इस आयत के अंदर, कि तुम उसे तो फाइनल अथॉरिटी बनाते नहीं, अपने अपने गुरुओं और अपने अपने शेख और अपने अपने हजरत की बातें पेश करते हो। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने लोग अभी तक ये सोचते थे, जो हिंदू हैं वो भी ऐसा सोचते कि काफिर बोल दिया तो मतलब, या बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता था कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर, तो ऐसा नहीं है कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर हो गए। कोई भी चीज़ लॉजिक से नहीं समझे और नहीं माने तो वो मना कर रहा है ना। हाँ जी, समझ उसके बाद, यानी उसको ये भी ज़रूरी है कि ऐसे कहा जाए और ऐसे रखा जाए। अगर मैं कहूँ, मैं दावा करूँ कि इस्लाम पीस, आप कहें नहीं, इस्लाम मुसलमानों ने तो बड़ी जंगें लड़ी हैं और मुसलमानों ने यहाँ पर भी बड़ी मारकाट की है, और देखो अब भी कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान में हो, कहाँ कहाँ। तो बात ये है कि अथॉरिटी कुरान होगा या अथॉरिटी वो होंगे, अफगानिस्तान वाले या किसी ने कुछ किया। तो अब अगर हम अथॉरिटी इनको मान रहे हैं तो फिर हम काफिर हैं, अगर अथॉरिटी उसे मान रहे हैं।
मैं उसकी भी बात करूं जो नॉन मुस्लिम के घर पैदा हुए या हिंदू कहलाते हैं आज, और दूसरे और धर्मों की बात भी यही है, दूसरे जो मजहब है उनकी, कि मैं कोई बात रखूं, अब उसूल या सिद्धांत तो ये है जो हर जगह आया है, मनुस्मृति से शुरू होने के बाद फिर गौतम में है, वशिष्ठ में है, सारे श्रुतियों के वो जो कहलाते हैं जितने भी हमारे उपनिषद हैं उनके अंदर है, हमारे जितने बड़े बड़े इस वक्त बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे सुधारकों की जो चली उसके अंदर, चाहे वो इस्कॉन हो और चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो, खुद स्वयं स्वामी विवेकानंद, मैंने सबको पढ़ा और हर एक ने कहा कि फाइनल अथॉरिटी तो वेदास है, ये सब ने कहा है विदाउट फेल, जितने मैंने नाम लिए इनके अलावा हर एक ने। तो अब उसूल तो ये वेदोखिलो धर्म मूलम, के जो वेद सम्मत होगा अकॉर्डिंग टू वेदास होगा वो माना जाएगा, अगर इसके खिलाफ है विपरीत तो चाहे जहाँ से आ जाए और चाहे जितने बड़े के पास से आ जाए वो हटा दिया जाएगा। तो अब अगर कोई उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है तो हम कहेंगे ये काफिर है, वो वेद सम्मत बात कर रहा है तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो मानने वाला है उसको श्रुति को। तो यही बात यहाँ इस्लाम के अंदर, तो इन्हें राइट नहीं कहने का, ये तो एक गुणात्मक शब्द है, एट्रीब्यूटिव नेम है, यानी कि उस शब्द का अर्थ एग्जैक्ट क्या है विद द डिफरेंस तारिक साहब ने समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, जैसा अभी हम वेद की बार बार आप चर्चा कर रहे हैं, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में देखा जाए तो वेद है, कुरान है, उपनिषद है, गीता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर जो है मुस्लिम्स को मैंने बस कुरान का नाम लेते हुए सुना है, तो क्या वहाँ भी ऐसे धार्मिक किताबें हैं जैसे हमारे यहाँ, तो मैंने जैसे आपको इतने सारे नाम बोले, तो क्या वहाँ सिर्फ कुरान है या और भी हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं? देखिए फाइनल अथॉरिटी की जब बात आती है तो वो कुरान है, लोग सिर्फ नाम लेते हैं फॉलो नहीं करते, यही तो प्रॉब्लम है, उसे नहीं करते फॉलो, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं करती, हमारे जो इल्म वाले हैं वो नहीं करने देते, देखिए अरबी में पढ़ लो बस, कितने बड़े बहुत बड़े बड़े ग्रुप तो हुए जो रोकते हैं, मना करते हैं कि नहीं नहीं ट्रांसलेशन भी मत पढ़ लेना, तो ये तो हटा रहे हैं और उस रास्ते से नाम लेते हैं सिर्फ, प्रॉब्लम ये है कि नहीं करते कुरान को फॉलो, सिर्फ नाम लेते हैं। तो ये ऐसे हुआ जैसे मैंने कुछ कहा कि ये लोग सब नाम तो लेते रहे लेकिन फॉलो उसे नहीं करते, कहते कि ये इसलिए कि कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि बहुत मुश्किल है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, हमने समझ लिया, हम समझाएंगे, तो ये लोगों को हटाने का रास्ता है। तो जैसे आपने कहा मुश्किल है, तो जैसे हमारे यहाँ भी वेद संस्कृत में है, पूरी तरीके से संस्कृत में लिखा हुआ है, लोगों को वेद थोड़ा समझने में मुश्किल हुई तो फिर कुरान लिखे गए ताकि उसमें कहानियाँ हैं उस तरीके से बताया गया, तो ऐसे ही कुरान को भी जिनको समझने में मुश्किल हुई होगी बाद में उसको कुछ आसान तरीके से लिखा गया होगा या उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के, क्या ऐसी कोई किताब है वहाँ? मैं उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन आपने बात वेद से शुरू की तो वेद समझने में क्यों मुश्किल है, चलिए छोड़ देता हूँ, मैं बस सिर्फ इतनी सी बात की मैंने, ये दावा है, ये क्लेम है जो फैला दिया गया है कि हम समझाएंगे नहीं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग कह रहे हैं हम समझाएंगे उन सब में आपस में डिस्प्यूट्स क्यों हैं, उनके इंटरप्रिटेशन अलग अलग क्यों हैं, इसे तो छोड़ा मैंने। ऐसे कुरान की बात जो है वो ये है कि कुरान के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो हदीसों का आता है, हदीस कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के कथन, जो कुछ उन्होंने कहा या करने को कहा कुरान से अलग, तो क्या करने को कहेंगे जब कुरान ऊपर रिवील हुआ था, कुरान के खिलाफ कहेंगे कोई बात? उनसे ये कहा गया था कि तुम इसे फॉलो करो, आमना रसूल बिमा उन्दिर इलैहि मिन रब्बी, सबसे पहले तो वो प्रॉफिट जो है वो ईमान लाए उस कुरान के ऊपर जो उन पर उतरा था, उसके बाद फिर वल मोमिन और फिर दूसरे लोग जो है ईमान लाए, तो प्रॉफिट को भी ईमान लाना होता है उस पर जो उस पर रिवील हुआ कि ये दिस इज फ्रॉम गॉड और मुझे इसे ही फॉलो करना है। तो अब जब उसे जो लोग फॉलो नहीं कर रहे और सिर्फ नाम ले रहे थे, हदीसें दूसरे नंबर की मैंने आपको बताया कि कलेक्शन है, उसमें कितनी चीज़ें उनके नाम के ऊपर बहुत बड़ी गढ़ ली जिसे हदीस कहते हैं और वो कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। तो अब जब खिलाफ जा रहा है, विपरीत जा रहा है, ऑपोजिट उसका बिल्कुल है, जब लाया जाता है उन्हें कन्फ्रंट करते हैं कुरान तो ये कह रहा है, तो कहते हैं नहीं प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा तो कुरान की ये आयत कैंसिल, ये कैंसिलेशन मानते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा कुरान के अंदर हमारे ये जो इल्म वाले कहलाते हैं ये मानते हैं। अब ये जो तुम्हारे पास आई ये गलत हो सकती है, इसमें लोगों ने चीज़ें बढ़ दी हैं, और खुद कुरान के मानने वाले ये कहते हैं कि मतलब खुद सब मुस्लिम कि नहीं कुरान में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये भी मानते हैं कि हदीसों में चेंज हो गए बहुत से। तो फिर जो चीज़ जैसे वहाँ था मैंने कहा वेद सम्मत, जो भी हदीस उससे टकराएगी उसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है जैसे कुरान ने कहा सलात अकीम सलात, नमाज जो है वो स्थापित करो, प्रॉफिट ने बताया कैसे नमाज होगी, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, उन्होंने करके बताया कि ऐसे होगी। लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई करे, वो अगर इस तरह की कोई बात आ जाए कहीं उनके प्रॉफिट के नाम के ऊपर जो कुरान से टकराती है, ऑपोजिट है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अमान्य होनी चाहिए, और दिक्कत परेशानी यह है कि वो अमान्य नहीं है। फिर उसके बाद लिटरेचर और बहुत सा है, उस लिटरेचर को आगे के यहाँ की टर्मिनोलॉजी में मुस्लिम्स के यहाँ कहते हैं फ़िक्र, अब फ़िक्र में अलग अलग इमाम हो गए, अलग अलग वो जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, बना ये दिया गया
कि उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने इमामों ने, अच्छे स्कॉलर लोग थे, तो उन्होंने कोडिफाई किया था लॉ को कि एक एक टॉपिक के अंडर में चीज़ें ले आए लोगों की आसानी के लिए। अब वो फिक्र स्कॉलर्स जो थे उनके अलग अलग ग्रुप बन गए। अब ये प्रीच ये किया जाता है कि ये इमाम अबू हनीफा हैं, ये इमाम शाफी हैं, ये इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, ये इमाम मालिक हैं। जो इमाम अबू हनीफा को मानता है वो कोई काम उन जैसा नहीं करेगा, हर मामले में इसे फॉलो करेगा। अरे भाई, ये फाइनल अथॉरिटी ने कुछ सोचा था, हो सकता है किसी और इशू के अंदर उस दूसरे की बात ज़्यादा सही हो। तुम लॉजिक तो देखो, तुम सोचोगे तो हो सकता है किसी तीसरे के अंदर उनकी बात सही हो। देखें, नहीं नहीं, हमने अगर इसे इजाज़त दे दी कि तुम अलग अलग इमाम को फॉलो कर लो अलग अलग चीज़ों में, तो लोग तो सब आसान करने लगेंगे, आसान आसान छाँट लेंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है आसान छाँट लेंगे? तो क्यों, तुम क्यों मुश्किल बनाना चाहते हो? ये तो हदीस है, या बहुत मशहूर प्रॉफिट मोहम्मद की है कि उनको अगर चॉइस दी जाती थी एक मुश्किल काम आसान, तो आसान लेते थे। तो ठीक है, ले लेने तो आसान, या तो ये कहो कि वो झूठे थे, गलत थे, ये भी नहीं कहेंगे, ये कहने की परमिशन नहीं है। लेकिन बस वो तुम्हारे इमाम जो उसकी लाइन पे चलते रहो, तो फिर चार अलग अलग सेक्ट हो गए जो आपस में एक दूसरे से डिबेट करते रहते हैं, मुंह में झाग आ जाते हैं। डिबेट किस बात पे होती है? नमाज में हाथ यहां बंधेगा या यहां बंधेगा या ऐसे रखेंगे? नमाज में ये टखने खुले में या नहीं खुले में, या पैजामा या पैंट टखने पे टकरा रही है, इस पे डिबेटें चलती हैं कि जायज नमाज फिर हुई या नहीं हुई। मैंने आज तक एक डिबेट ऐसी नहीं सुनी जिसमें ये हो कि नमाज क्या है भाई, तुम मालिक के सामने हो, उस पर कंसंट्रेट किया था, उस पर मेडिटेट किया था, उसका ध्यान था या नहीं था तो नमाज हुई या नहीं, इस पर कोई डिबेट नहीं है। ये बंदगी को, पूजा को, इससे क्या गरज के टखना खुला था या बंद था, या हाथ ऐसे था या ऐसे था। तुम्हारे मन के अंदर कितनी श्रद्धा है, और तुम्हें यह एहसास है नहीं कि इस वक्त तुम किसके सामने हो, क्या कर रहे हो, और उसके ऊपर मेडिटेट किया है नहीं किया, तो मेडिटेशन का तो कॉन्सेप्ट ही निकल गया, ध्यान उस एक के ऊपर ध्यान जिसके लिए कुछ कर रहे हो, तो फिर पूजा भी क्या हुई? तो ये सब खोखली सारी चीजें रह गई। झगड़े इस पर होते हैं, और ये हर एक अपने अपने जो है वो फिर चला रहा है। तो ये मैंने बताया कि स्क्रिप्चर्स के अंदर नंबर एक कुरान, नंबर दो हदीस का लिटरेचर, नंबर तीन ये फिका की किताबें, इसमें प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ उससे टकरा रही है कुरान से नहीं लेंगे, हदीस की भी कैंसिल कर देंगे अगर टकरा रही है। फिर इन दोनों से कोई अगर फिक्र की किसी बात टकरा रही है तो नहीं लेंगे, उसे हम कैंसिल कर देंगे। प्रैक्टिकली हुआ यह है कि मोर देन 90% मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नंबर एक फिका, हमारे ट्रेडिशन के जो थे हम उनकी मानेंगे, हमारे इमाम। फिर नंबर टू पर लाते हैं हदीस को, प्रॉफिट मोहम्मद ने यह कहा था, चाहे वो कुरान से टकरा रही हो। और नंबर थ्री पर लाते हैं कुरान को, नाम लेते हैं सिर्फ, वहां तक तो नंबर थ्री तक तो कोई पहुंचता नहीं। यानी इस तरीके से पूरा प्रायोरिटीज बदल गई, प्राथमिकताएं बदल गई। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअल में लोगों को कुरान को ही मानना चाहिए, हर किसी को फाइनल अथॉरिटी मानना चाहिए। उसकी एक्सप्लेनेशन अगर कोई चीजें आती हैं, खुद कहता है प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा ये कि जहां से जो अच्छी चीज मिले ले लेना, सब तुम्हारी ही है वो, तुम्हें जहां से मिले ले लेना, तुम्हारी अपनी है, अपनी समझ कर ले लेना, तो हदीस है। तो अब बात यह कि कोई चीज, और फिर इस बात को बहुत क्लियर करके कहा, कुछ बातें तुमसे कही गई हैं करनी जरूरी है, कुछ बातों से तुम्हें रोका गया है रुकना जरूरी है, और बहुत सी बातें इसके बीच में उस पर तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया गया है, अपने चूज कर लो जैसा दिल चाहे, अपनी गुड, अपनी अच्छी, अपने विल के साथ में। अब उसको सबको बांध दिया इन्होंने, किसी एक जगह भी आज़ाद नहीं है, तो ये बिल्कुल एक नैरो उसके अंदर चले गए सब लोग। एक चीज़ जो आप अपने अभी कही नमाज की बात की, तो बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है, अब इसमें कितनी सच्चाई है आप ही आज क्लियर करेंगे। बहुत समय से मेरे दिमाग में ये सवाल था कि मैं किसी अनुभवी इंसान से पूछूंगी, और आपसे ज़्यादा अनुभवी इस बारे में कोई हो नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि महिलाओं को मस्जिद जाने की अनुमति नहीं है इस्लाम में, क्या ऐसा है कि वो मस्जिद नहीं जा सकती हैं? देखिए, सऊदी अरब में तो जाती हैं, मिडल ईस्ट में तो जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाती हैं, इंग्लैंड में जाती हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं जाती। तो ये क्या बात है, कोई दो अलग इस्लाम हो गए? अब हम, ये तो मैंने एक बात रखी, वहाँ सब जाती हैं, उनके उन सब के अंदर, इन सारे जितने मैंने कंट्रीज बताए, यूएसए के अंदर वहाँ लेडीज जाती हैं नमाज उसके लिए मस्जिद के अंदर। यहाँ पर ये इमाम अबू हनीफा या कुछ इमाम है उनकी ट्रेडिशन जिसके मानने वाले ज़्यादा हो गए, उन इमाम के फॉलो करने के अंदर उन्होंने इसको मस्जिद जाने से रोका है लेडीज को, तो हम इसे माने या प्रॉफिट मोहम्मद की बात माने? प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस है कि, कुरान तो नहीं कहता इस बाबले को, वो तो सबसे कहता है, लेकिन बात यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस है कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों में जाने से मत रोकना, क्लियर क्लियर कट हदीस है इन वर्ड्स के अंदर। तो
ऐसा हुआ कि बाद को उनके खलीफा हुए यानी उनके सक्सेसर्स जो प्रॉफिट नहीं थे लेकिन उसको रूल ऑफ लॉ और ये सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करने वाले, उसमें जो सेकेंड कैलिफ थे या खलीफा उमर, हजरत उमर, उनको पसंद नहीं था उनकी वाइफ को मस्जिद जाना। उस वक्त थोड़ी सी खराबियाँ हो गई थी, तो ख़ास तौर से सुबह अर्ली मॉर्निंग उधर बहुत ही अभी अंधेरा है, उस वक्त जब जाती थी तो कुछ छेड़छाड़ करने वाले लोग हो गए थे, पहले नहीं थे, इसलिए नहीं पसंद था कि जाया करें। उनको वो आतिका, हजरत आतिका नाम था उनकी वाइफ का, वो चैलेंज करती थी, उमर चैलेंज करके कहती थी, उन्हें मालूम था इन्हें पसंद नहीं, और वो भी थे अमीरुल मोमिनीन यानी रूलर सबके, तो कहते थे उमर मना कर दो नहीं जाऊंगी, एंड ही कुड, इसलिए कि हदीस है मना नहीं कर सकते, तुम अपने मुंह से कह के मना कर दो नहीं जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी, और उन्हें मालूम था कि पसंद नहीं है। तो ये एक राइट टू प्रोटेस्ट था उस वक्त भी कि उन्होंने तो ये कहा प्रॉफिट ने, तुम कैसे, और उन्होंने वो मना नहीं कर सके, अब कैसे मना करने लगे, इसे इनको रिवाइज करना चाहिए। और हमने तो हमारे जहाँ भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम लोग जितने जिन मस्जिदों के अंदर हम लोग ज्यादा जाते आते हैं, लोगों ने बात समझ ली, वहाँ लेडीज जाती है। अच्छा, आप ही जाती हैं? जाती है, उनमें जाती है, उनमें बहुत कम है इधर, मुझे लगता है आप जैसे नॉर्थ इंडिया में कम है। जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे ही शायद और भी लोग आपको देखकर जो है मोटिवेट हों, और ये सारी जो अच्छी चीजें हैं, हर बोला ना हर धर्म में कुरीतियां, ऐसा नहीं कि यहाँ हम अभी आज सिर्फ इसलिए इस्लाम की बात कर रहे हैं कि वहाँ जो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप उस पर रिसर्च करते हैं, आपने इतने सारी चीजें देखी हैं, तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं। हर धर्म में कुरीतियां हैं जैसा मैंने कहा। एक और चीज कही जाती है, जब महिलाओं की बात आती है तो कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है, हालांकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स रही हैं जो कि बहुत ही हमारे साथ पढ़ी हैं, बड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को आज़ादी नहीं है। किस चीज़ की आज़ादी नहीं, पहले ये तो एक खाली एक वर्ड हो गया, किस चीज़ की आज़ादी, जैसे लोग उनको देखते हैं कि वो इसकी आज़ादी नहीं है, जिसकी आज़ादी नहीं वो बता दो। हाँ। इसकी आज़ादी नहीं है कि कोई महिला किसी मेल के साथ में अकेले वक्त गुजारे जहाँ कोई और देखने वाला नहीं हो, इसकी नहीं है आज़ादी। बात ठीक है जी, अब ये आजकल तो इसको भी आज़ादी में गिना जाता है कि नहीं, उसको राइट है, दोनों मेजर है, तो इसकी आज़ादी नहीं है कि अकेले जहाँ कोई और नहीं देख सके बस, उसके अलावा तो फिर हर तरह की आज़ादी, किसी चीज़ पर रुकावट ही नहीं है। और हमारे वर्क, हमारी जो तंजीम है उसके अंदर बहुत सी जगहों पर तो मेल्स को पीछे छोड़ देती हैं जो फीमेल्स जो काम करती हैं, लेकिन अक्सर जैसे इसलिए पूछ रहे हो तारिक साहब ये सवाल, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी बॉलीवुड में भी है, बहुत सारी जैसे है फीमेल महिलाएं जो हैं स्पोक्स पर्सन भी हैं, जब वो कुछ बोलती हैं तो एक शब्द आता है फतवा जारी कर दो, ये सुनने में आता है कि ये इन्होंने महिला होकर ऐसी बात कर दी, बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं, वो इस्लाम के होकर ही एक महिला के लिए ऐसी बातें जब कर रहे होते हैं, उनको आज़ादी है, वो अपने वो चाहे वो हिंदू धर्म को माने, वो सनातन को माने, या फिर वो चाहे जो बोलना चाहे वो बोल सकती हैं, या फिर जैसे बॉलीवुड में भी बहुत सारी हीरोइनें हैं जो काम कर रही हैं, एक्ट्रेस जो हैं, तो उनको लेके कहते हैं कि फतवा जारी कर दो इसने ऐसा किया है, एक उन्होंने वो ऐसा नहीं कि कोई दूसरे धर्म वाले कह रहे हैं, वो इस्लाम वाले ही अपने ही धर्म की एक महिला के लिए ऐसी बातें करते हैं, तो एक ये भी आप ज़रूर क्लियर कीजिए कि ये फतवा जारी कर देना क्या होता है। फतवे के लिटरल मीनिंग है क्वेश्चन पूछना किसी चीज़ के बारे में, ये लिटरल मीनिंग है। तो शुरू में ऐसा होता था कि वही जो रूलर होते थे या खलीफा होते थे वही रिलीजियस हेड भी होते थे, ये इंस्टीट्यूशन एक में थे, और जिन लोगों को ज़्यादातर पूछते भी नहीं थे, जैसे कुछ नहीं मालूम होता था जाके पूछते थे उसके बारे में, इस्लाम के या दीन के बारे में, धर्म के बारे में। जब सोसाइटी बड़ी और आगे चली, लोग बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर एक अलग से उस वक्त कोई मुफ्ती नहीं होता था, मुफ्ती फतवा देने वाला, तब कोई मुफ्ती इस्लाम के शुरू में कोई किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन ही नहीं था, काजी था, काजी इज़ जस्टिस, काजी अल कुज़ात चीफ जस्टिस, इवन वो जो खलीफा थे वो कटहरे में खड़े होते थे, अगर उनके अगेंस्ट कोई जाके हुए, ऐसे कई ओकेजन्स आए कि उनके किसी ने चार्ज लगा दिया और उनको बुलाया गया और उनको खड़ा किया गया और उनसे सवाल पूछे गए, तो काजी चीफ जस्टिस, मुफ्ती नहीं था। ये बात को अच्छा था समझा गया कि स्कॉलर्स में से, आलिमों में से कुछ लोग ऐसे अलग बिठा दिए जाएं, क्वेश्चन इनसे पूछो जाकर, बस इसी काम के लिए सिर्फ वो मुफ्ती कहलाए, तो इंस्टीट्यूशन बात को शुरू हुआ। अब फिर मुफ्ती अपने अलग अलग उसके हो गए, जैसे मैंने बताया अलग अलग इमामों को फॉलो करने वाले, इसलिए मुफ्तियों के फैसले भी अलग अलग होने लगे। अच्छा, वो इसलिए थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है मैं उसे जाकर पूछ लूँ, मुझे ये पूछने के जाकर राइट नहीं कि सानिया मिर्ज़ा ऐसा नहीं कर पहनती है जायज़ है या ना जायज़, अरे तुमसे मतलब, तुम अपने घर का कुछ पूछ लो, पूछना है तुम्हें अपनी बात पूछना है जैसे वो पूछ लो, ये सारी चीज़ें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। फतवा इसलिए था, मुफ्ती इसलिए थे। अब होता ये कि फिर जब लोगों ने उनको बहुत अपने मन के अंदर या अपने दिल के अंदर बहुत ऊंचा एक स्थान दे दिया, अब वो जो कुछ भी कहें उनकी बात फाइनल, इसे कम मिसयूज़ करने लगे,
ये मिसयूज स्टार्ट हो गया कि जो हम कहेंगे वो तो चारों तरफ फैलेगी, वो मिसयूज तरह तरह से होता है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बंगाल की भी एक सांसद थी, एक्ट्रेस थी, नाम नहीं लूंगी लेकिन लोग समझ जाएंगे, उन्होंने भी जब सिंदूर लगा लिया था तो बहुत सारे उन्हीं के मतलब इस्लाम धर्म के ही लोग बहुत सारे उनके अगेंस्ट चले गए थे, बोलने लगे थे इसने सिंदूर कैसे लगाया, ये चीज़ें। तो इसीलिए मैंने पूछा कि और बहुत सारे लोगों के माइंड में फिर ये सवाल आता है, हालांकि ऐसा नहीं है इधर भी, हमारे यहाँ भी हिंदू धर्म में भी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जाती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इस्लाम की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने आपसे सवाल पूछा कि फतवा क्या होता है और क्या सच में ऐसा है कि इस्लाम में महिलाओं को आज़ादी नहीं। मैंने बताया ओरिजिनल तो फतवा था ही नहीं, फतवा इस्लाम के बारे में पूछने को कहते हैं, उसके लिए अलग लोग बिठा दिए गए, लोगों ने उनको बहुत ज्यादा अपना ऐसा बना लिया कि बस जो ये कहेंगे वो आखिरी बात होगी। असल बात ये लोगों को ज्ञान क्यों नहीं है, जो बात पूछने जा रहे हैं उससे ज्यादातर उन्हें खुद क्यों नहीं मालूम है। फाइनल अथॉरिटी तो उनके पास है, वो मुफ्ती साहब फाइनल अथॉरिटी नहीं है, तो फिर उसका वो मिसयूज करने लग गए। अब आपने बीच में सिंदूर की बात की थी तो एक इशू था, वरना सैकड़ों इशूज हैं कि इस्लाम लोकल कल्चर से नहीं रोकता किसी को। अब ये लोकल कल्चर है यहाँ का, मुझे दिखा दें किसी जगह कहीं पर लिखा हुआ किसी कुरान में किसी हदीस में कि सिंदूर लगाना मना है। सिंदूर तो पहले से चला आ रहा था ना, हिंदू लेडीज़ तो पहले से थी तो कल्चर वो जानते होंगे, तो कहीं पर दिखा दें कि मना है। एक झूठी हदीस लाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुआ मिनहुम, जिसने किसी दूसरे की लाइकनेस, दूसरे से मतलब दूसरे धर्म वालों की लाइकनेस में कुछ किया वो बस उन्हीं में से गिना जाएगा। अब इसको वो करते हैं कि जैसा हिंदू करते हैं वैसा नहीं करें, जैसा क्रिश्चियन करते हैं वैसा नहीं करें, जैसा और सिख करते हैं वैसा नहीं करें। अरे भाई मेरा दिल चाह रहा है जैसे पगड़ी में बांध के निकलूं तो इसे कौन रोकने वाला है, मेरी मर्जी में बांधता हूँ तो ये क्या नहीं, उनका कल्चर नहीं ले। तो इस्लाम एरिया कल्चर से नहीं रोकता, इन उसके अंदर कोई ख़राबी है कोई बुराई है, जिन प्रिंसिपल्स को इस्लाम रोक रहा है तो मत कीजिए। तो अब वो झूठी हदीस एक लाए, असल सच्ची हदीस वो है जो मैंने आपको पहले सुनाई, कहा कि वे अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, अरबी में हदीस है, हिकमत यानी विजडम की बात या अच्छी बात कोई अच्छी लगने वाली बात, ये हर ईमान लाने वाले की मीरास है, वर्षा है, जहाँ तुम्हें मिले फायसो वजह तुम फहुआ हक को ब्या, जहाँ मिले अपना समझ के ले लो कि ये भी हमारी ही है। तो ये है जुड़ने की बात, ये है अच्छे कल्चर्स को जोड़ने की बात। ये अब दो टकराती हुई चीज़ें मिल रही हैं, इनमें से कौन सी सही है हदीस के नाम के ऊपर, दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते, तो ये सही है वो गलत है, उसे फैला दिया तो उससे बिल्कुल ऐसा है कि हर एक के ऊपर फिंगर रेजिंग, हर एक के ऊपर इसे देखो कि कैरेक्टर कैसा है, इसे देखो लोगों के कितने काम आता है, इसे देखो कि रिलायबिलिटी कितनी है, हर एक उनके ऊपर विश्वास करता है नहीं करता है, क्यों करता है इसलिए कि सच बोलते होंगे, इन चीज़ों को देखो। यहाँ पर रंग लगा लिया, यहाँ दाढ़ी रंगी या नहीं रंगी, ये पैंट पहनी या पैजामा पहना, ये सारा धर्म इसमें ले आए। तो जिन भी लोगों को जो ऑडियंस से देखती है, जिनको लगता था कि ऐसा है कि वहाँ आज़ादी नहीं, आज़ादी है, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया फतवा शब्द का अर्थ जो आप लोग पूछ रहे थे वो भी इन्होंने बताया कि अर्थ क्या है। एक चीज़ और जानना चाहूँगी तारिक साहब की, एक चीज़ मुझे जो कुछ चीज़ें पढ़ने में आई थी कि आदमी को वहाँ कहा जाता है हाकिम और औरत को कहा जाता है महकूम, इसीलिए आदमी को आदमी का दर्जा ऊपर है तो इसीलिए उसको हक है कि वो औरत को तलाक दे सकता है, औरत को हक नहीं कि वो आदमी से तलाक मांग सकती है, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए दो, ये दो अलग अलग चीज़ें होंगे जिसे मिक्स कर दिया गया है, यानी आपने नहीं कर दिया, जिसे मिक्स कर दिया गया है। सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 उसमें एक फ्रेज आई है अर्रिजाल कवामून अन्निसा, मर्दों का को पुरुषों को एक दर्जा जो है वो ऊपर है उनसे, एक क्लास जो है वो लेडीज़ के ऊपर है, ये ट्रांसलेशन होता है, इसी का ट्रांसलेशन करते हैं उसका, उसको उनका हाकिम बना दिया गया है। कवामून एक वर्ड अरबी का आया, अर्रिजाल माने मेन, कवामून हाकिम मतलब ये ट्रांसलेट करते हैं जो हाकिम, और अलनसा और लेडीज़। अब ये जो कवामून है ये सब जगह ट्रांसलेशन इसे करने लगे कि मर्द हाकिम है, रूलर है उनके ऊपर। कवामून का मतलब देखिए आपकी भी समझ में आएगा, कायम करने वाला, इस्टेब्लिश करने वाला, उनको प्रोटेक्शन देने वाला, इसलिए कि फिजिकली तो वीक है ना। तो आज भी ये होता है भाई किसी जगह पर कहीं पर लेडीज अकेली रात में इसमें उसमें तो लोग कहीं हमला कर देते हैं, कुछ जेवर छीन के ले, मर्दों का क्यों नहीं छीन के ले जाते, फिजिकली वीक है तो उनको जिम्मेदारी दी कि तुम इन्हें प्रोटेक्ट करोगे, तो प्रोटेक्शन तुम्हारी जिम्मेदारी, उन्हें कायम करोगे, उन्हें इस्टेब्लिश होने में हेल्प करोगे इस्टेब्लिश हर फील्ड के अंदर। ये सीधा सीधा कायम कवामून उसकी प्लूरल है, जो कायम करे यानी इस्टेब्लिश करे, कायम का मतलब उनको खड़े होने में
अच्छी तरीके से बराबर से खड़े होने के अंदर हेल्प करे। इस मीनिंग को उन्होंने कर दिया रूलर। रूलर इसका किसी दुनिया की डिक्शनरी में मतलब ही नहीं। जब ये कर दिया तो ये तो एक बात है, वो इशू अलग है। दोनों को, दोनों इसलिए कनेक्ट हो गए जब रूलर बन गए। तो इस्लाम ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज या निकाह, जिसमें दोनों की परमिशन ज़रूरी है। लड़की की परमिशन नहीं हो तो निकाह नहीं हो सकता, तो दोनों की परमिशन ज़रूरी है। एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, एक कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों की परमिशन से शुरू हुआ वो अगर वो डिसॉल्व होता है तो उसमें कोई एक भी अगर कहता है, जैसे हमारी पार्टनरशिप होती है तो फिर गाड़ी नहीं चल सकती, कोई एक भी कहता है तो वो डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन उसके प्रोसीजर है, ऐसे नहीं बिल्कुल कि तलाक 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 कह दिया तो बिल्कुल झूठ है। तो वो डिसॉल्व कर सकता है, तो फिर लेडी भी कर सकती है आइदर ऑफ देम। यानी अगर दो पार्टनर्स हैं तो वो दो पार्टनर्स में से कोई कह के नहीं चलेगी गाड़ी तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर रोका जाए तो बड़ी खराबियां पैदा होती है कि नहीं हम तो नहीं होने देंगे, 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, एक दूसरे को मारने की सोचते हैं, एक दूसरे इधर उधर रह के लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं, मैरिज अभी तक डिसॉल्व नहीं हुई है। तो ये इस्लाम ने ये लिबर्टी दी है, और हालांकि बहुत पाबंदियाँ रखी हैं कि नहीं एडजस्ट करने की कोशिश करो जब दूसरे लोग पढ़े। ये सारी शर्तें जो है कुरान ने बताई है, उसके अंदर मीडिएशन हो पहले, फिर भी पॉसिबल नहीं हो तो फिर रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। तो ठीक है, खत्म हो जाना चाहिए, आइदर ऑफ देम कैन डिसॉल्व दिस रिलेशनशिप। उसमें मर्द का तो ये है कि उस प्रोसीजर अलग रख दिए, इनको प्रोसीजर दिया कि ये कह सकते गवाहों के साथ में, ऐसे नहीं किसी जगह पे वैसे ऐलान कर दिया, पहले मीडिएशन हो चुका हो, फिर विटनेसेस भी हों, उनके वो समझा भी चुके हों, ये हो कि नहीं रिश्ता नहीं चलेगा तो वो अब गवाहों की प्रेजेंस के अंदर वो कह दे कि भाई मैंने तलाक दी या मैंने डिवोर्स किया, इस रिश्ते को डिसॉल्व कर दिया, इस रिलेशनशिप को। उसके लिए प्रोसीजर अलग है लेडी के लिए, उसे कहते हैं खुला। उसके अंदर ये है कि शी आस हर हस्बैंड टू डिवोर्स हर। अब नहीं मानते हो कि नहीं हम तो नहीं, हम नहीं कर रहे, तो ये भी क्यों है इसे मैं अलग एक्सप्लेन करूंगा कि उसको क्यों पूछना पड़ता है या कहना पड़ता है। लेकिन अगर वो नहीं माने तो फिर वो केस जो है वो काजी के पास जाता है, और काजी इज बाउंड टू डिक्लेयर द रिलेशनशिप नल एंड वॉइड। इन प्रैक्टिस ये हो गया है कि पूरे इंडिया के अंदर शरिया अदालतें जगह जगह कायम है, ये खुला नहीं होती। लेडीज जाती हैं, तड़प रही हैं, वो हस्बैंड ने लटका कर रखा है, मैं तो नहीं दूंगा तलाक, तो वो बाउंड है करने पर। एक बहुत मशहूर केस है प्रॉफिट मोहम्मद के लाइफ का, के एक मुझे नाम याद नहीं रहा, उनकी वीमेन कंपेनियन साहबिया वो आई, उन्होंने आने के बाद कहा कि ए अल्लाह के रसूल, वो ये मुझे अपना हस्बैंड में मैं कोई कमी नहीं पाती, कोई उनमें मैं किसी तरह का ऐप नहीं निकाल रही, कुछ नहीं, नो कंप्लेंट्स, लेकिन मुझे पसंद नहीं है और मुझे ये डर है कि मैं किसी गलत तरफ निकल जाऊंगी उनके साथ रहने में। तो उन्होंने कहा, उन्होंने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया था वो वापस कर दोगे? कहाँ कर देंगे, बुलाया कहा कहने तलाक दो, यानी बाउंड किया कैनेडा में, वो नहीं देते तो कहते कि रिश्ते को ना वो कर देते, तो नो रीज़न। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कभी कभी ये होता है कि अदालत नहीं समझ सकती कि मेरे और मेरे वाइफ के बीच में, बहुत से लोग हंसेंगे लेकिन वो रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दूसरे कहेंगे कि नहीं ये तो कोई बात ही नहीं हुई, उन दोनों के लिए बहुत बड़ी होती है। असल चीज़ है कि रिश्ते की प्लेजेंटनेस, अगर वो इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर रिश्ता अलग होना चाहिए, कोशिश निभाने की करनी चाहिए। तो रिश्ता अलग करने का होने का पूरा राइट इनको भी है। बिल्कुल, ये क्यों है कि इसे कहना पड़ेगा वाइफ को? जी हाँ, ये इसलिए है कि हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, ये हस्बैंड फिजिकली स्ट्रांग है, ये वीक है। हस्बैंड निकालना चाहता है या तलाक देना चाहता है, उसने कहा मैंने तलाक, ऐसे तो खैर कह भी नहीं सकता लोगों की मौजूदगी। जी हाँ, इससे रिलेटेड एक सवाल है जो आप ये कंप्लीट कीजिए फिर मैं उसको पूछूंगी। वो तलाक दे देगा, हुक्म ये है, ऑर्डर ये है इस्लाम का, कुरान का, कि उनको इसे इद्दत कहते हैं, वेटिंग पीरियड, कि अभी वो घर से नहीं निकलेगी, नहीं इवन आफ्टर डाइवोर्स, तीन पीरियड्स तक या 3 महीने हम समझ लें, 3 महीने उसे रहना होगा घर में हस्बैंड के साथ में। उनके रिलेशनशिप नहीं होगी लेकिन साथ में रहेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगी, और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कुरान ने इस बात के लिए बाउंड किया कि उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करोगे। उसने भी ये इसलिए रखा, ये बताया भी, अगर उनका पैचअप हो जाए तो कोई बात नहीं, बात ख़त्म तलाक की, अगर इस 3 महीने में पैचअप हो जाए तो। इसलिए उसको कहा कि ना खुद जाए घर से और ना वो निकाले, और इस बीच में अच्छा सलूक भी करे। सिर्फ ये कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप नहीं रहेगी, वो बीच में साथ में रहने से फिर एक दूसरे से पैचअप होने का चांस हो, दो गवाहों को बुलाए, कहें कि हम वी आर हस्बैंड वाइफ अगेन, कुछ और नहीं करना है, कोई निकाह भी नहीं करना है। तो ऐसा जो है वो कर सकते हैं। ये अब अगर वाइफ मना करे
कि नहीं नहीं मैंने तलाक दी तुम्हें, बिल्कुल उन्हीं वर्ड्स के अंदर वही प्रोसीजर ऐसे ही हो जाए वाइफ के लिए, तो मारकूट डालेगा वो 3 महीने में। तो पहली जरूरत है कि वो अलग हो जाए घर से, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है, घर से अलग हो जाए और उसके बाद फिर रिश्ते खत्म होने की बात करें ताकि लोग पैचअप कर सके। नहीं होता तो फिर रीजन भी जरूरी नहीं है। अब ये पूछते हैं सब जगह पूरे इंडिया के अंदर, जब जाती हैं ये वो जो एग्रीव वाइव्स हैं और उनको सता रहे हैं, दूसरी मैरिज कर ली, दूसरा निकाह कर लिया, कहते हैं तो ये लटका के रखूंगा ताकि तू दूसरा निकाह नहीं कर पाए। तो अब वो तड़प रही हैं वो कि हम तो फंस गए और मैं दूंगा नहीं तलाक। वो जाती हैं खुला के लिए एप्लीकेशन देती हैं, खुला कहीं नहीं होती, बहुत रेयर होती हैं, जब कोई अप्रूव ही नहीं करता। क्या बात है, तब शराब पीता है, इसके तो पहले से हमें मालूम नहीं था, इसके तो जेन्युइन रीजन बताती हैं कि हमें मालूम नहीं था ये मैरिड था, इसने बताया नहीं था और इसके 2 बच्चे भी थे। मैंने कहा नहीं नहीं अब तो निकाह हो गया, वो पुरानी बातें ख़त्म, तुमने और ज़्यादा सही कर ली होती इंक्वायरी। कोई इसमें से 2-3 मुश्किल से ऐसे रीजन थे जिसके ऊपर वो मान सकते हैं, नंबर ही नहीं आता उनके। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम इशू करते हैं हमने कितने खुला कराए इस बात के ऊपर, समझाना चाहा पहले, पैचअप भी हो गए। ऐसा भी केस हुआ जिन्होंने कहा कि नहीं हम पैचअप करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो खुला डिक्लेयर कर दिया और वो अलग रह रहे हैं, उन्होंने शादी भी कर ली थी। एक आधा चैलेंज करते हुए बड़े ऑफिसर थे, मैं बता नाम तो नहीं ले सकता, बड़े ऑफिसर थे मुस्लिम वाइफ, तो उनको मैंने नोटिस भेजा आके जा आपकी वाइफ ने ये कंप्लेंट्स की, आइए पहले बुलाना ज़रूरी होता है पैचअप की बात हो जाए। उन्होंने आते बात शुरू की, आपको राइट क्या है, आप तो मुफ्ती नहीं है, आप कैसे करा देंगे, राइट क्या है आपको। मैंने कहा हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इनके मुस्लिम्स के कल्चर उसके लिए, और आप राइट की बात अगर कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप तो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ओके मैं तो डिक्लेयर कर दूंगा ये शादी कर लेगी कहीं, आप कोर्ट में चैलेंज कीजिएगा कि मुझे राइट है या नहीं। फिर उन्होंने पैचअप कर लिया। तारिक साहब, अगर कोई जो है मुस्लिम महिला ये देख रही हो, वो इस परेशानी में हो, तो क्या हम आपके वेबसाइट का या आपके कॉन्टैक्ट का एड्रेस नीचे डाल सकते हैं ताकि वो आपसे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बोल नहीं पाती ये चीज़ें और उनको समझ में नहीं आता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आप एक महिला हैं और आप इस तरीके की किसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो यहाँ ज्ञान के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलता है। तो आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। देखिए हमारे कुछ वॉलंटियर यहाँ हैं, वो हमारा उसके जो वर्क का ड्रेस कोड है उसके अंदर है, सबसे ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वर्क फॉर कंपैशन, ही हमारी टैग लाइन है। तो कंपैशन का कोई भी काम हो और किसी का हो, किसी धर्म वाले का हो, किसी आस्था वाले का हो, किसी क्लास का हो, जिसमें हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, तो वहाँ हम ड्यूटी बाउंड है कि हम करेंगे। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। एक तलाक की बात चल रही थी, हमने ना बचपन से मूवीज में और बहुत सारी जगहों पर देखा है कि तलाक 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 हो गया, ऐसा बहुत सारे लोगों ने, हमने भी देखा है। लेकिन जितना मैंने सुना है कि एक तलाक कहने के बाद 1.5 या 2 महीने की मोहलत दी जाती है, फिर दूसरा तलाक बोला जाता है, क्या है ये पूरा प्रोसेस? 3 बार तलाक कहने से क्या तलाक हो जाता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या लिखा है? वो भी गलत है, 1.5-2 महीने की मोहलत, एक तलाक से कम्प्लीट सब कुछ हो जाता है। इसके साथ के जैसे मैंने भी बताया ना कि 3 महीने तो अलग नहीं हो, वहीं रहे, पैचअप हो जाता है तो बात खत्म। और अगर पैचअप 3 महीने नहीं होता, जिसे वेटिंग पीरियड कहते हैं, तो अब नाउ उनमें सेपरेशन हो गया दोनों के अंदर। सेपरेशन हो जाने के बाद कभी भी, चाहे जितने सालों के बाद, अब आज़ाद हो गई ना वो कहीं पर भी निकाह कर सकती है, इंक्लूडिंग जिससे तलाक हुई थी उसके साथ में निकाह कर सकती है अगर चाहे तो। अगर कभी हो जाए कि नहीं नहीं हम वापस निकाह कर लें, वो 3 महीने तो गुजर गए पैचअप वाले, तो फिर दोनों वापस निकाह कर सकते हैं। ये लिबर्टी जो है ये रहती है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। होता है ऐसा कि बात को सोचते हैं कि हम लोग तो बहुत अच्छे तरीके से रहते थे कभी, तो वो वापस निकाह अपना कर सकते हैं दोनों। ये तलाक का जो सही प्रोसीजर है वो ये, इसके अंदर इसकी ज़रूरत ही नहीं कि 2 महीने के बाद दूसरी दे। दूसरी क्यों? तलाक इस तलाक, तलाक न 2 है न 3 है, है ही नहीं। वर्ड जो आता है हमारे यहाँ पर बोला जाता है 3 तलाक का, कुरान ने जितनी जगहों पर भी इसको वर्ड आता है, देखिए मैं बताऊँ अरबी वर्ड बताऊँ, कुरान ने कहा अतलाक मर्रतान, मर्रतान और मर्रतान अरबी के 2 वर्ड एक ही मीनिंग रखते हैं, कि तलाक 2 बार की तो वैलिड है, 3री बार के बाद अलग हो जाए। तो ये 2 बार का मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया तलाक तलाक, या 3 बार का मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया तलाक तलाक तलाक। एक कॉमन सेंस की बात पहले करूँ, ये फिर मैं स्क्रिप्चर रेफरेंस दूंगा। एक कॉमन सेंस की बात पहले, वो ये कि अगर किसी डॉक्टर की दवा हो और वो दे के भाई दिन में 3 डोज लेनी है, तीनों को एक वक्त में खा जाए, तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि उसने ट्रिपल डोज खाई,
उसने तीन डोज नहीं ली, उसने एक ही वक्त में ट्रिपल कहा तीन टाइम लेना है, तो तीन टाइम का मतलब ये नहीं कि वो तीनों जो है वो एक साथ खा जाए, तीन टाइम का मतलब तीन अलग अलग टाइम्स। तो ये मर्रा लफ्ज है जिसके जिसका ये द्विवचन है मर्रतान या मर्रतान, और उसके तो ये कुरान में जहाँ जहाँ आया सब जगह इसके लिए आया जिनके बीच में टाइम बहुत बहुत लंबा एक पीरियड गैप है कहीं, यानी कुछ महीने का नहीं, इट मे बी फॉर ईयर्स फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स, जो जहाँ जहाँ ये वर्ड आया। तीन टाइम्स के अंदर कुरान ने एक जगह कहा कि बच्चे और दूसरे काम करने वाले तीन टाइम्स ऐसे हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रूम में नॉक किए बगैर परमिशन लिए बगैर नहीं जाया करें, दोपहर में अगर वो रेस्ट करने के लिए लेटे हों रात में, और एक टाइम बताया अर्ली मॉर्निंग। तो ये तीन टाइम्स का मतलब ये नहीं है कि वो तीन बार वो तीन बार पूछ कर जाएं, तो ये नहीं कि मैं आई कमिन मैं आई कमिन मैं आई कमिन और फिर इंटर हो गए, ये तो एक ही बार एक ही टाइम की बात हुई, ये तीन टाइम्स की बात नहीं हुई। इसे इन लोगों ने इस तीन अलग अलग टाइम्स की कि अगर तीन बार उनकी रीमैरिज हो गई अगर फिर अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो फिर वही प्रोसीजर चलेगा कि तीन महीने तो वो साथ में रहेंगी, निकाले नहीं, पैचअप हो गया तो इस रुके, और अगर नहीं हुआ तो अलग हो गई। अब दो बार गिन गया, चाहे वो 10 साल हो उसके बीच में दोनों दफा के बीच में गैप हो, दो काउंट हो गए, फिर अगर थर्ड टाइम अगर तलाक देता है कहीं तो खेल बना लिया, इसलिए कहा कि नहीं अब पैचअप नहीं होगा, वापस पैचअप नहीं होगा, तो अब परमानेंटली वापस उससे निकाह भी नहीं कर सकते, वरना इसके बाद वापस बीच में निकाह कर सकते थे। तो ये दो बार की है ही नहीं, तीन बार की है ही नहीं, बल्कि ये है कि एक ही बार होने के बाद तलाक हर तरीके से फाइनल होती है। हाँ, अगर वापस उन्होंने रीमैरी किया तो दूसरी बार होगी, वरना दूसरी बार होगी ही नहीं। भाई बात क्या हुई कि एक बार तलाक दी तो हो गई ना, वैलिड हो गई, तो जो जिसे तलाक हो चुकी है उसे तलाक देने कोई मतलब ही नहीं, जिसे नहीं उसे दी जाएगी ना। एक बार तलाक होते ही तलाक वैलिड हो गई, जब हो गई तो सेकंड तलाक तो वैलिड ही नहीं होगी, इसलिए कि वो शीज इन ए सस्पेंडेड पीरियड या वो प्रोबेशन पीरियड या आपस के पैचअप पीरियड है और वो निकाह की हालत में नहीं है। जब नहीं है तो तलाक कैसे कहा जाएगा? सेकंड टाइम कहना जो है वो यूजलेस है, फजूल है। ये कुरान के मीनिंग के हिसाब से मैंने बताया, कुछ लॉजिक के बारे में बताया, लेकिन ये कि यहाँ पर बड़ी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे ही फैसले देती चली आ रही है। यहाँ पर हजरत उमर, जिनका मैंने अभी नाम लिया था सेकंड कैलिफ, वो इसलिए कि खराबी उस वक्त शुरू हो गई थी कि लोगों ने कुछ ये समझा था, कुछ बहुत से इधर उधर के ट्राइबल्स उन्होंने इस्लाम में आए थे, उनको सारी चीज़ें मालूम नहीं थी कुरान की, उन्होंने तीन का सुना था तो उन्होंने तीन बार कहना शुरू कर दिया कि तीन बार से अलग हो गए। तो उनको जब पता चला तो वो कोड़े लगवाते थे बुला के जो ऐसा करता था, पनिशमेंट देते थे। तो ये जो है ये जुर्म जो था वो पनिशेबल एक्ट था, तीन बार कह देना। तो वो जो कुछ इन्होंने अभी लॉ पास किया है, प्रेजिडेंट गवर्नमेंट ने जो तलाक मिला, बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है। इस्लाम एग्जैक्टली ये कहता है कि पनिशमेंट भी होनी चाहिए, खाली ऐसे बच कर नहीं जाएंगे अगर तीन बार कहने के बाद अलग कर दिया तो, वरना तीन बार की कोई तलाक होती ही नहीं। तभी शायद मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश भी थी इस लॉ से। हालांकि मैं बस इतना ही एक चीज़ हम और क्लियर कर देते हैं, मतलब सारी बातों का, जिसको जो ये देख रहे हैं वीडियो, ये तीन बार तलाक बोलना ऐसा कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि तीन बार तलाक देने से, ये मिथ है। तीन अलग अलग टाइम, इसका मतलब ये कि बीच में उनका वापस निकाह हो चुका है तब वो सेकंड टाइम काउंट होगा, वरना कोई मतलब ही। तो जो भी लोग ये समझते थे या जिनको भी ये चीजें नहीं पता थी कि तलाक 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 एक साथ कह देने से तलाक नहीं होता, और ये कहीं भी कुरान में नहीं लिखा हुआ है। जैसा मैंने कहा ना, हर धर्म में कुछ ना कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि उस धर्म की खूबसूरती को खराब कर देते हैं, तो इसीलिए क्लियर करना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक जैसे आपने चीज बोली ना, दोबारा शादी, आजकल मैं सोशल मीडिया का ज़माना है, हम वहीं देखते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो एक तारिक साहब, एक चीज़ें देखने को आती हैं, एक वर्ड है हलाला, उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव, एक इस शब्द के बारे में बहुत ही नेगेटिव चीज़ बनी हुई है कि अगर किसी एक औरत को दोबारा अपने पति से शादी करनी है, सेम पति से, तलाक हो चुका है और दोबारा पति के पास जाना, पति से शादी करनी है, तो उसको किसी मौलाना, पहले किसी के घर में तीन दिन रहे या मौलाना के पास किसी जाए, और तो उसके बाद जो है उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद ही फिर वो अपने पति से शादी कर सकती है। पता है बहुत से मौलाना क्या करने लगे, मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो जी फिर ये करने क्या लगे, उनका 50,000 फीस है हमारी, तीन दिन उसे यूज भी करेंगे, 50,000 रुपए भी पकड़ेंगे उससे, और उसके बाद फिर उसे भेज देंगे वापस कि अब तुम्हारी वैलिड हो गई। यहाँ तो छुप छुपा कर होता है, ये इंडिया में इस तरह का ये पैसे लेकर और जायज कर दिया। वहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े बोर्ड लगे, इंस्टीट्यूशंस हैं ओपन, यहाँ हलाला कराया जाता है, अब उनकी फ़ीस है, इतनी फ़ीस दे दो, वो कुछ जिसे भी प्रोवाइड करें उसके साथ रात गुजारो, और उसके बाद फिर वो कहेंगे अब जाओ अपने हस्बैंड के पास। तो अब ओपन इंस्टीट्यूशन है तो बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर करप्शन। तो
हलाला के बारे में बताऊं कि अभी तलाक का प्रोसीजर मैंने बताया था, अगर तीन बार एक बार तलाक हुई और उसके बाद उससे पहले वो ज़रूरी था कंसीलिएशन, वो भी नहीं सक्सेसफुल हुआ, फिर उसके बाद जो इद्दत कहलाती है वेटिंग पीरियड के 3 महीने जो एक्स वाइफ है वो साथ में रहेगी, हाँ हस्बैंड वाइफ काउंट नहीं होंगे, एक ही घर में रहेंगे और अच्छा सलूक भी करना ज़रूरी है उसके साथ। उसके बाद कहा कि जब जाने लगे तो 2 गवाहों की मौजूदगी में भी बहुत भले तरीके से अच्छे तरीके से उससे कुछ गिफ्ट वगैरह देकर उसको रुख्सत करना, ऐसे जैसे किसी को अलविदा कह रहे हैं गिफ्ट वगैरह देकर उसको रुख्सत करना, कुरान में लिखा है। तो अब रिश्ते अलग हो गए, अब वो कोई लिमिट नहीं है कितने वक्त के बाद, अगर वो दोनों फील करते हैं कि हम फिर हम दोनों निकाह कर लें, कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, दोनों फिर निकाह कर लें और फिर वो हस्बैंड वाइफ, ऐसा 2 बार हो सकता है। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ, एक दोबारा फिर झगड़े शुरू हो गए सेकंड टाइम और फिर पैचअप जो है वो हुआ, अब तीसरी बार फिर ऐसे ही हो गया। उनका ये तो ये हंसी खेल बना लिया इन्होंने, तब उसको फर्स्ट वाइफ से दोबारा निकाह करने की परमिशन नहीं है। थर्ड अगर 3 बार ऐसा हुआ लाइफ में, ये 3 बार प्रैक्टिकली होगा ही नहीं किसी की जिंदगी में, आएगा ही नहीं, लेकिन रख दिया है एहतियातन। तो अब उसको दोबारा वो अपने जो हस्बैंड था उससे उसके साथ निकाह करने की ज़रूरत नहीं, वो आधा दे कहीं और कर ले, अगर कर ले कहीं और इनकेस अगर वो कर ले और वहाँ पैचअप नहीं हुआ, करेंगे इसी नियत के साथ में कि हमें ज़िंदगी साथ भर साथ में रहना, इस नियत के साथ में वो निकाह वैलिड ही नहीं होगा कि 1 दिन रहना या 2 दिन रहना या 2 महीने रहना, निकाह ही वैलिड नहीं होगा। तो अब इस नियत के साथ दोनों निकाह करेंगे कि हमेशा ज़िंदगी गुजारनी है। अगर कभी उनका डिस्प्यूट हुआ आपस में तो पहले सब लोग समाज ये पैचअप कराएगा कि नहीं हो तलाक ही, ये ज़रूरी है, मीडिएशन होगा, और फिर भी अगर वो नहीं हो सका कि नहीं साथ में ज़िंदगी गुजर रही तो वो भी ऐसी एक तलाक देगा, ये भी इस फ्री, तो फ्री में सब कुछ शामिल है, चाहे जिससे निकाह कर ले, अपने सेकंड हस्बैंड से चाहे तो दोबारा कुछ दिनों बाद कर ले, किसी और से कर ले, और उसमें ये भी शामिल है आपके उस पहले से कर ले। इसे प्लान नहीं किया जा सकता, ये तो व्यभिचार है, ये फोर्निकेशन है, ये तो करप्शन है, बहुत ही करप्शन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर के उसको प्लान करके। और मैं तो एक चैलेंज देता हूँ इन सारे लोगों को, इनमें से किसी काजी के पास कोई चला जाए, सिर्फ ये नहीं बताए कि पहले से कि हम इसलिए कर रहे हैं, जाने किसी काजी के पास, किसी मुफ्ती के पास चला जाए कोई मुसलमान और जाकर कहे कि मैं 3 दिन के लिए एक औरत से, एक लेडी से निकाह करना चाहता हूँ 3 रातों का, तो वो कहेगा लाहौल वाला कुव्वत, सुन्नी मेजॉरिटी 90% सुन्नी इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में सुन्नी शिया जो 2 बड़े सेक्ट हैं उनके अंदर 75% ऑल ओवर वर्ल्ड सुन्नी है और इंडिया में 90% सुन्नी है। तो मुफ्ती साहब कहेंगे लाओ क्या ये क्या है, ये तो शियों के यहाँ जायज़ है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं, हराम नहीं, मुमकिन नहीं, तुम पहले से इंटेंशन करके नहीं कर सकते, ये फतवा देंगे, ले लें फतवा और किसी मुफ्ती से ले लें दुनिया की सुन्नी मुफ्ती से। और वही लोग ये कह देते हैं साथ में जब इसकी बात आती है तलाक की कि किसी के साथ नियत नहीं हो, इंटेंशन ये हो कि 1 रात या 2 रात या 3 रात के बाद वो तलाक दे देगा, तो ये तो दिखावा हुआ, ये मैरिज ही नहीं हुई। जब वो मैरिज नहीं हुई तो वो मैरिज रिजोल्यूशन भी नहीं हुआ, और जब वो मैरिज रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो फर्स्ट वाइफ के लिए, फर्स्ट हस्बैंड के लिए जायज़ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर से, और ये सिर्फ और सिर्फ व्यभिचार हुआ। तो यानी कि जैसे हर धर्म में कुरीतियाँ होती हैं उसी की चर्चा हम हमेशा करते हैं, तो मतलब ये जो हलाला शब्द है और जो इसका ये बना के रखा हुआ है लोगों ने वो गलत है, वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। वर्ड हलाल इसलिए आया है उस जगह पर कि जब सेकंड हस्बैंड भी किसी वजह से उनका पैचअप नहीं हो, समाज यही कोशिश करेगा कि उन्हीं के साथ रहें, अगर नहीं हुआ तो फिर वो हलाल, वो औरत मतलब ये हलाल का मतलब परमिटेड, हलाल का मतलब ये है, तो वो हलाल वर्ड इसलिए आया कि फिर ये परमिटेड है कि वो किसी से भी निकाह करे तो फिर फर्स्ट वाइफ फर्स्ट हस्बैंड से भी कर सकते हैं, इसलिए हलाल वर्ड आया, उसे हलाला बनाया, हलाला बनाया। लेकिन ये जो बीच का जो चीकी चीजें हैं मौलाना मुफ्ती जो इन लोगों ने अपने आप को जोड़ लिया उसमें, ये गलत है, ये हलाला नहीं हराम करी है, ये व्यभिचार है और इसको बाय फोर्स खत्म होना चाहिए, इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये जो एक करप्शन जो फैला हुआ है जगह जगह और कुछ चीजें जो है वो सामने बहुत सी जगहों की बास की सामने आ भी गई कि वो अपने पास रखने के बाद वो पैसे भी पकड़ते हैं और फिर अय्याशी करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं, तो इनको सबको जेल में होना चाहिए। तो
ये भी सवाल आपने बहुत ही अच्छे आपसे बात करके, तारिक साहब मैं कहना चाहूंगी बीच इंटरव्यू में ही कि आपसे बात करके एक अच्छी चीज़ ये है ना कि आप बहुत सारे लोग आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि देखो ये हमसे ऐसे सवाल हमारे धर्म के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि हर धर्म में कुरीतियाँ होती हैं और हम उसकी चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं होती कुरीतियाँ हर धर्म में, ये धर्म के मानने वाले कुरीतियाँ डाल देते हैं। जी हाँ जी हाँ, हर धर्म की बड़ी साफ सुथरी सुथरी चीज़ होती है, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। और आप जिस तरीके से हर एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं ये बड़ी ही अच्छी चीज़ लग रही है मुझे, इसीलिए हमने जो भी इतने सेंसिटिव सवाल भी मैं पूछ रही थी, लेकिन कोई सवाल सेंसिटिव कभी होता ही नहीं। ये आपकी सोच है क्योंकि बहुत सारे लोग ये जवाब देने वाले बिगड़ते हैं, जब जब किसी को जवाब नहीं आता तब भड़कता है वो, जब उसे जवाब नहीं मालूम होता या जवाब नहीं देना चाहता, वरना दुनिया का कोई सवाल सेंसिटिव नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं, हमने बहुत सारी चीजें ये सब डिस्कस कर ली, गजवाए हिंद क्या है ये मैं जानना चाहूंगी, ये शब्द भी मैं बहुत बार बार सुन रही हूँ, ये क्या है? बहुत शॉर्ट बताता हूँ मैं, लेकिन फिर टॉपिक बड़ा है ये तरह। गजवा के दो तरह की वार्स जो है वो कहलाती है, और वार्स भी ये है कि वार्स का कॉन्सेप्ट अलग है, अगर वो जिहाद का टॉपिक आएगा तो मैं बताऊँगा कि कभी कभी वार नेसेसरी हो जाती है, किसी दूसरे ने हमला किया या कोई और ऐसे रीजन हो सकते हैं। तो दो तरह की वार्स थी, एक वार वो थी, एक तरह की वो थी जिसमें प्रॉफिट खुद जाते थे और लीड करते थे, और दूसरी तरह की होती है जहाँ वो कुछ एक बटालियन या कोई छोटा थी वो भेज देते थे कि जाओ तुम लोग, और एक कमांडर बना दिया उसका। ये जितनी वार जिसमें प्रॉफिट खुद जाते थे ये गजवा कहलाती थी, जिसमें खुद नहीं जाते थे उसे गजवा नहीं कहते, उसके लिए वर्ड आता है सरिया। तो पहली चीज़ कि जिसमें प्रॉफिट खुद हो वो गजवा है। अब ये गजवा हिंद की जितनी बातें हो रही हैं, चाहे वो ऐसे हो रही हो, पाकिस्तान में से भी खूब चलाई आजकल और फिर यहाँ पर भी खूब तरह तरह से जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने फैलाई, ये बताओ पहले कि प्रॉफिट क्या आएंगे, वो लीड कर रहे होंगे तब तो गजवा होगा, वरना गजवा कहाँ से होगा, कैसा गजवा है? दो हदीसें आई हैं, तीन चार पांच, वो तो सब, अब ये तो लंबा स्कॉलरली डिस्कशन हो जाएगा कि मैं बताऊं कि बाकी सब तो गलत है, उनमें से दो ऐसी जिन्हें कहा जा सकता है कि हाँ शायद ये सही होगी। एक उसके अंदर से ट्रेडिशन या रिवायत कहते हैं उसे हदीसों को, कि एक रिवायत ये कथन तो ये है कि उन्होंने कहा सौबान मौला थे के वाद, एक हजरत अबू हुरैरा से, इन दो से रिवायत है, अबू हुरैरा ने कहा वाद अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वतुल हिंद, अल्लाह के रसूल ने हमसे गज़वा हिंद का वादा किया है, और उसमें यह था कि मैं अगर शरीक हूँगा तो बहुत बड़ा मतलब गाजी हूँगा, बड़ा जहन्नम का उसके जन्नत के अंदर उसके ऐसे जाऊँगा, और अगर मैं मारा गया, अगर मारा गया और बचकर आया तो फिर तब भी जहन्नम से मैं आज़ाद हूँगा, उसे नरक से उसमें नहीं जाऊंगा मैं, अगर बच गया तो, अगर ऐसी जंग हुई तो मैं जरूर से। अब अबू हुरैरा भी गुजर गए, कब के? उन्हीं के टाइम के थे, प्रॉफिट के टाइम के थे, उनके सामने तो कुछ नहीं हुआ ही, कह सकते हैं हम सब दूसरों के ऊपर अप्लाई, ये बताया था उन्होंने आगे के लिए, अबू हुरैरा अपने लिए समझे होंगे कि जो वादा किया बाकी सबके लिए किया। उस वक्त जब प्रॉफिट खुद शरीक हो तब तो वो गजवा होगा, वरना गजवा नहीं होगा, वरना जंग तो हो सकती है, इंडिया पाकिस्तान की हो सकती है, इंडिया की किसी और दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से हो सकती है, कुछ और दो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में हो सकती है, लेकिन वो गजवा नहीं होगा। तो अब गजवा जो है वो गजवा हिंद का तो कोई सेंस नहीं बनता किसी तरीके से। अब ये दो वो भी आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया हदीस है कि गजवा हिंद क्या है, जिसके अंदर यह है कि बहुत ऊँची चीज़ कभी होगी, अगर बात को कभी गजवा होगा तो प्रॉफिट की स्पिरिचुअल शिरकत तो हो सकती है, फिजिकल नहीं हो सकती, नंबर एक बात, अगर वो हदीसें ठीक हैं तो हम ये मान सकते हैं कि स्पिरिचुअल शिरकत होगी, ये नहीं हो सकती, फिजिकल नहीं हो सकती, रूहानी हो सकती है। अगर वो रूहानी है और फिजिकल नहीं है तो फिर जंग भी रूहानी है, वो भी फिजिकल नहीं है, वो मार धाड़ की तोपों की गन्स की नहीं है, फिर वो भी रूहानी है, फिर अगर उनकी शिरकत जो है वो रूहानी है तो फिर बात ये कैसे मान लिया कि इंडिया पर कोई हमला करेगा, कोई पाकिस्तान या कोई इस गजवा हिंद, इसमें ये कहाँ है? ये भी तो हो सकता है कि मुसलमान गलती पर हो और ये लोग सत के ऊपर हो, इंडिया के रहने वाले अक्सरियत, और ये सत को फैलाने के लिए निकले, लड़ाई नहीं जंग नहीं, ये और उसे जंग कहा जाए तो, और हमला ये करने जा रहे हो तो हमला एक अच्छा हमला होगा, वो जो सारी दुनिया पर हमें करना, यही तो सतयुग का आना है। तो जब हम निकले और हम सारी दुनिया पर हमला करें तो ये भी गजवा हिंद होगा, हिंदुस्तान से शुरू हुआ, मान ये लिया गया कि कोई और, ये तो सब काफिर है, वो सब मुसलमान है पक्के, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में, वो हमला करेंगे तो गजवे हिंद होगा, तो प्रॉफिट मोहम्मद तो किसी गलत का साथ देंगे नहीं। अगर सत पर हमारे लोग, इंडिया के लोग, भारत के लोग, चाहे वो हिंदू अक्सरियत के हों, अगर सत पर नहीं होंगे तो इस्लाम कहता है गलत है, इनका साथ मत दो, अगर ये सत पर हो
तो फिर सतयुग लाने के लिए हमें साथ देना है, हम वी आर ड्यूटी बाउंड कि हमें साथ देना है। तो अगर ऐसा होता है कहीं आगे और बताया गया होगा तो फिर हमें निकलना है, सबको इकट्ठा सारी दुनिया को कॉन्कर करना है। ये कॉन्करेंस भी जो है, ये फतेह जो है, ये विजय, ये भी रूहानी होगी। असल में तो कदम हिंदी है। युग की बात की आपने, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है युगों की बात की हुई है, क्या कुरान में कहीं युगों की बात की हुई है? देखिए, ये तो इतना फर्क तो है दोनों जगह कि कुरान का टाइम जो है वो साइकिल नहीं है, टाइम जो है वो स्ट्रेट लाइन है, अगर हम ग्राफ को समझें कि जिसके दो एंड्स मिलते नहीं, कभी शुरू हुआ और कभी ख़त्म हुआ, चाहे जितना एंशंट हो किसी जगह स्टार्ट हुआ तो फिर अगर जो चीज़ स्टार्ट हुई वो कभी ख़त्म भी हो जाएगी, ये दो एंड मिलते नहीं, बुढ़ापे से कोई जवानी में आता नहीं, फिर बच्चा नहीं होता। मैं उस पर नहीं जा रहा टॉपिक पर यहाँ पर, लेकिन ये इतना हिस्सा कॉमन है कि सतयुग एक दौर, इसे ये साइकिल के बाद मानते हैं कि जब बहुत बुराइयाँ हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो इंडियन ट्रेडिशन में माना जाता है तो कलयुग का होगा, वो उस कलयुग के फौरन बाद फिर सतयुग आएगा, ये यहाँ पर जितने हिंदू सेक्ट सब मानते हैं, ये इस्लाम भी मानता है उस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में भी कि जब बहुत ज़्यादा खराबियाँ या बुराइयाँ अपने पीक पर पहुँच जाएंगी तो फिर सतयुग आएगा। अब ये खाली सिर्फ लैंग्वेज या भाषा का फ़र्क हो गया। सत कहते हैं हक को, अभी जैसे नाम के लिए मैंने अब हमारी पहले बात हो रही थी बताया था ना कि नूरुल हक सत प्रकाश, ये भाषा का फर्क है खाली, इससे कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो जाएगा। तो सत सतयुग, सत कहते हैं हक को, यानी वो जो हमेशा सत हो, और युग कहते हैं, युग के लिए जो वर्ड आता है उर्दू में बोला जाता है दौर, तो हम कहते तो हम बोलते हैं दौरे हक, कहते हैं हाँ इस्लाम कहते हैं हाँ दौरे हक आएगा, जब बहुत ज़्यादा अंधेरे फैल जाएंगे, अंधेरों से फिर ये जो है फिर उजाले की तरफ बढ़ेंगे जाने के बाद, तो असतुम असदगम है, ये जो होगा ये अंधेरों से उजाले की तरफ जाएंगे। तो ये जो वो जो सतयुग से उसमें एंट्री की बात तो इस्लाम करता है। गायत्री परिवार से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे, उनके सेंटर से जो वहाँ से हमारे रबते या कॉन्टेक्ट हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा मुझसे रिक्वेस्ट की कि आपने एक बार कहा था कि सतयुग का के कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है, और उनका मेन गायत्री परिवार का जो है वो मेन इम्फेसिस पे है कि हमें सतयुग लाना है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ऐसा नहीं होगा एक दिन सो के उठे तो आज सतयुग है, बल्कि हम चेंज लाएंगे वो खुद बदलने के बाद, तो फिर सतयुग आएगा। अच्छा है, वो नारा है उनका, ये बड़ा अच्छा नारा है। तो हमने बहुत सी जगहों पे उन्हें बहुत कोऑपरेट किया, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर हमारे साथ में हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, फ़ोन आया कि कुछ आप हमें लिख के दे सकते हैं लेख इसके ऊपर, वो समझे शायद कोई एक पेज की कोई चीज़ मैं दे दूँगा सेंट। मैंने कहा लिख देता हूँ, वो लिखा तो वो एक बुकलेट की तरह का हो गया। तो फिर काफ़ी उन्होंने मशवरा किया अपने आप में, फिर उनका फ़ोन आया कि देखिए इसे तो हम ऐसे ही छापेंगे जैसे आपने लिखा है, लेकिन इस पर हम अपना एडिटोर, इसके शुरू में जो है भूमिका हम लिखेंगे, प्रीफेस। मैंने कहा मुझे कोई गलत नहीं, आप क्या भूमिका लिखते हैं मुझे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, देखना भी मुझे ज़रूरत नहीं है, हाँ जो कुछ मैंने लिखा इसे एडिट मत कीजिएगा। फिर उन्होंने वो किताब, वो लाखों की तादाद में बांट चुके हैं, बांटते हैं जो मेरी लिखी हुई है वहाँ, गायत्री परिवार वाले छापते हैं, और किताब का नाम है सतयुग इस्लामी दृष्टिकोण। तो ये भाषाओं का अंतर है, सत आएगा, हक आएगा। अब हक का मतलब मुसलमान सारे समझे सब मुसलमान हो जाएंगे, हिंदू समझे सारे जो हिंदुत्व में चले जाएंगे, असल बात तो यह कि सत तो एक ही होगा, उसे बैठने के बाद हमें सिंथेसिस करनी चाहिए क्या सत है। यानी अच्छे समय की हर धर्म में बात की गई है। एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने अभी की, लोगों को ये नोटिस करना चाहिए, आपने पूरी बुकलेट लिखी, उन्होंने उसका जो है स्टार्टिंग का पेज लिखा, और दोनों ने मिल के वो चीज़ लिखी, और लोग आज उसको पढ़ रहे हैं, बांटा गया। ये खूबसूरती है कि जैसे लोग बांटते हैं धर्मों को, यहाँ दो धर्म के लोगों ने मिलकर एक किताब लिखी और वो किताब जो है बांटी जा रही, तो ये दिखना दो चाहिए धर्म ये दुनिया में जैसा लोग मानते हैं। हम अभी इसीलिए हम ये धर्मा लाइफ पे धर्म संवाद इसीलिए करते हैं कि लोगों के माइंड से, आप जैसे लोगों के द्वारा ही हम ये चीज़ें चेंज करें जो लोगों के माइंड में गंदी गंदी चीज़ें बैठ गई हैं आजकल सोशल मीडिया देख देख के, तो सारी चीज़ें चेंज हो। एक चीज़ मैं आपसे और आगे जो है पूछना चाहूँगी, हम धर्म की ही बात कर रहे हैं, तो सनातन में और इस्लाम में दोनों धर्म में क्या कुछ समानताएँ हैं? हाँ देखिए, पिछले क्वेश्चन से जोड़ते हुए दया जी, दो क्या रिलीजन्स और मजहब, ये तो सैकड़ों हैं, धर्म सैकड़ों नहीं हो सकते, धर्म दो भी नहीं हो सकते, धर्म तो एक ही रहेगा।
इसलिए कि धर्म जो बहुत सी परिभाषाएं हैं, बहुत सी जो डेफिनेशन हैं, उनका सार ये है सबका कि हम यहाँ खुद से नहीं हैं, किसी ने हमें यहाँ पर मौजूद किया है। जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया, उसने हमसे क्या चाहा, उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। तो ये मेन डेफिनेशन है कि उसने ये शुरू का हिस्सा तो मैंने अपना एक्सप्लेन किया, वरना ये कि धर्म वो है धारियते, उसको धारण करने को धर्म कहते हैं जो उसने चाहा। तो उसने जो कुछ चाहा वो थोड़े दिनों बाद बदल थोड़ी जाएगा कि कभी उस सृष्टि के आदि के अंदर कुछ और चाहा था, बीच में ईसा मसीह कुछ और बता गए, बाद को प्रॉफिट मोहम्मद कुछ और बता गए, और वो सब उसी के रिप्रेजेंटेटिव थे या उसी के भेजे हुए थे या दूत थे या उसकी पास से डायरेक्ट ज्ञान मिला था। तो ये कैसे बदल जाएगा कि ये अलग अलग धर्म ये बनाते चले जाएं, इनके संस्थापक हो जाएं। तो इस्लाम तो ये कहता है कि शुरू से ही एक धर्म रहा, कुरान ये कहता है। हाँ, ये उसे वो अरबी में कहता है, इसलिए कि इस्लाम भी अब माना जाने लगा है, वरना इस्लाम भी जो शब्द है वो गुणात्मक शब्द है, एट्रिब्यूटिव नेम है, धर्म विशेष का नाम नहीं है। द रिलीजन ऑफ सरेंडर, अपने सरेंडर टूवर्ड्स द विल ऑफ गॉड, जो उसने चाहा मैं अपनी मर्जी अगर मेरी उससे टकरा रही तो मैं उसकी मानूंगा, बाकी उसने आजादी दी कुछ भी करना। तो इस्लाम ये है, वो चाहे जहाँ कोई कर रहा हो, तो अरबी के अंदर इसे बोल दिया गया। इसका ये मतलब नहीं कि ये धर्म अलग हो गया, कुछ शुरू से एक था। उस शुरू के अंदर हम यहाँ पर जैसा देखते चले आ रहे हैं, जब लोग अलग अलग धर्मों के नाम लेते हैं, ये सनातन धर्म है, ईसाई धर्म है, ये इस्लाम धर्म है, और दूसरे और धर्म, मैंने तीन के नाम ले लिए। तो ये धर्म बहुत से नहीं हो सकते। अब शुरू में सनातन धर्म जैसे ऐसा समझा जाता है या माना जाता है, कहा जाता है हाँ प्राचीन है, तो कुरान क्या कहता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उसका अंतर शब्दों का, यानी लैंग्वेज का खाली, वहाँ पर यहाँ जो ज्ञान आया वो संस्कृत में आया, अरब के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद जो ज्ञान आया वो अरबी में आया। कुरान कहता है, इसे पहले ये बता दूंगा, कुरान कहता है कि वली कुल्ली उम्मतिन रसूल, हर बड़ी नेशन के अंदर प्रॉफिट्स आए। तो फिर जब ये कह दिया जनरल हर एक जगह है, तो यहाँ भी आए भारत में। एक बात तो मुसलमानों को माननी पड़ेगी अगर इस कुरान को मानेंगे तो, कि यहाँ पर भी आए प्रॉफिट्स। फिर दूसरी चीज़ ये, साथ में एक जगह कुरान ने उसूल बताया सूरह 14 के अंदर है कि वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला बिलिसानि कौमिही, जहाँ पर भी जिस नेशन में भी कोई प्रॉफिट भेजा गया, वो वहाँ पर वो मैसेज उन्हीं की लैंग्वेज में लेकर गए जो वहाँ बोली जाती थी, लियुबयिन लहुम, ताकि लोगों को समझा सके। तो इसलिए यहाँ जो कोई आए वो संस्कृत में लाए। ये फिर से मुसलमानों को मानना पड़ेगा, नंबर एक बात कि यहाँ ईश्वरी ज्ञान आया, प्रॉफिट आए, नंबर टू जो कुछ भी आया वो संस्कृत में आया। ये इट इज अकॉर्डिंग टू कुरान, और इससे कोई डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता जब मैं आयत बता दूँ तो। तो अब कुरान ये कहता है, कुरान की एक छोटी सी आयत, वइन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन, सूरह नंबर 26 में आयत नंबर 196, बहुत छोटी सी कुछ वर्ड्स हैं इसमें, वइन्नहु, और बेशक वो, इसका ट्रांसलेशन निसंदेह वो का मतलब कुरान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी। लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन, फी माने में, ज़ुबुरुल अव्वलीन, अब ये आ रहा है कीवर्ड। अब ज़ुबुर का मतलब है स्क्रिप्चर्स, एक नहीं कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स, प्लूरल है ये, बहुवचन, जैसे ग्रंथ कहें हम तो ग्रंथाः संस्कृत में कहेंगे। तो ज़ुबुर, अव्वलीन का मतलब आदि, ये तो बोला जाता है वैसे भी, यहाँ पे भी बोला जाता है कि भाई अव्वलीन, सबसे पहले, सबसे पुराने, प्राचीनतम। अव्वलीन का मतलब आदि। अब उसे मैं अगर उसके अंदर कहूँ, हिंदी में कहूँ, तो कहूँगा कि यही कुरान या यही रसूल का आदि ग्रंथों में भी है। एक बात आगे कुरान कह रहे आदि ग्रंथों में है, यही शिक्षाएं आदि ग्रंथों की हैं जो इसके अंदर है। अब वो आदि ग्रंथ जो है, दुनिया में एक ही कौम दावा कर रही है कि हमारे पास है, अगर बहुत से कर रहे होते तो डिस्प्यूट होता, तो कम से कम मुस्लिम स्कॉलर्स को देखना तो चाहिए कि इसी को तो कुरान नहीं कह रहा है, कह रहे कुरान कह रहे आदि ग्रंथ थे तो कभी, लेकिन अब लोप हो गया, अब वो एक्सटिंक्ट है, अब नहीं है कहीं, अभी देख लो अगर है तो शायद यही हो। अगर एक ग्रुप कह रहा है कि आदि ग्रंथ ये है, उससे पहले का तुम बताओ कि कोई और सोर्स है कहीं, कोई ग्रंथ जो जिसे कहा जा रहा हो कि ईश्वरीय ग्रंथ है, तो प्राचीनतम भी है, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट यूनानिमिटी है, 100% नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट यूनानिमिटी है। अब जब हम देखते हैं, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, जब कुरान कह रहा है आदि ग्रंथ की शिक्षा इनकी एक है, तो मैंने तो उससे, मेरे लिए मेरे ग्रंथ है वो, और ग्रंथ जो होंगे ईश्वरीय वो किसी एक की बपौती नहीं हो सकते, ना वेद ब्राह्मण की बपौती हो सकते हैं, और ना मुसलमानों के जो मुसलमानों के घर पैदा होने वालों की ठेकेदारी कुरान पर हो सकती है, अगर खुदा का कलाम, अगर ईश्वर वाणी है तब। तो मैंने उसे देखा, अध्ययन किया, हम अध्ययन करवाते हैं उसका, इस आस्था के साथ कि वो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो हमें शिक्षाएं एक मिली
ये कभी ये बात का विषय कि कैसे एक हैं क्यों डिफरेंट नजर आती हैं, ये अलग विषय। तो हमें शिक्षाएं एक मिली, मूल शिक्षाएं। अब अलग इसलिए मालूम होती है कि लोग वेद पर नहीं रहे, अलग इसलिए मालूम होती है कि लोग कुरान पर नहीं रहे। तो फिर ये तो अलग अलग इन्होंने अपने मजहब बना लिए, रिलीजन्स बना लिए, ये धर्म है ही नहीं जो प्रेजेंट नजर आते हैं, ना ये सनातन धर्म है जो हिंदुओं में नजर आता है, और ना ये इस्लाम है जो मुसलमानों में नजर आता है। वरना स्क्रिप्चर्स की तो एक सीरीज है, ये एडिशंस हैं, वो फर्स्ट एडिशन था ये बात का एडिशन है कुरान, तो जो जिसकी मूल शिक्षाएं एक ही हैं। हाँ, समय के साथ बात चीज़ें उसके ऊपर एक्ट करने की, अमल कैसे करें वो चेंज होती रही, होनी भी चाहिए। धर्म एक रहा शुरू से लेकर यहाँ तक, तो मैं तो अलग ऐलानिया आज नहीं एक ज़माने से मैं कहता चला हूँ, और जब कुरान कह रहा है, एक वर्ड कुरान ने यूज़ किया, ये इस्लाम, एक आयत के अंदर ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये इस्लाम दीन क़य्यिम है, इसका भी ट्रांसलेशन सुन लीजिए। दीन कहते हैं धर्म को, रिलीजन को नहीं, मज़हब अलग वर्ड है, मज़हब इज़ रिलीजन, दीन कहते हैं धर्म को, बिल्कुल इसका पर्यायवाची है, बिल्कुल इसका सिनोनिम दीन क़य्यिम। और क़य्यिम कहते हैं वो जो हम सदा से कायम हो, हमेशा से कायम स्थापित, और सदा से चले आ रहे को कहते हैं संस्कृत में सनातन, शाश्वत, सनातन शाश्वत। तो सनातन धर्म या शाश्वत धर्म, इसका एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन है दीन क़य्यिम का, कुरान कह रहा है कि ये सनातन धर्म है, हम उसका सही ट्रांसलेशन नहीं करते, तो इसलिए लोग एक दूसरे को रेफर नहीं कर पाते, एक दूसरे से करीब नहीं हो पाते। तो मैं तो ऐलान कुरान की बेसिस पर, अपनी किसी उस पर नहीं, कुरान के सही ट्रांसलेशन की बेसिस पर मैं तो ऐलान करता हूँ मैं सनातन धर्मी हूँ। और माफ़ कीजिएगा नेहा, आप और दूसरे हमारे जो यहाँ पर कैमरामैन स्टाफ है, कि मुझे नहीं पता आपने कितना वेद पढ़ा है, और आप कितना नाम आप खाली सुना है या पढ़ा भी है। करोड़ों वो लोग जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, उन्होंने दर्शन तक नहीं किए होते, देखा तक नहीं होता है, और जिसने अध्ययन किया है, अपना समझ कर किया है, प्रचार भी करता है, तो सनातन धर्मी मैं हूँ या आप, ये तो खाली दावे हो गए, असली सनातन धर्मी तो मैं हूँ। क्या मोहम्मद साहब से पहले अरब में महादेव की पूजा होती थी? बहुत सारे लोग ये वीडियो बनाते हैं, और मैंने बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे कि वहाँ पे महादेव थे, शिव जी थे, तो क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, मैंने सारे सिर्फ वेद ही नहीं, मैंने सारे 108 उपनिषद भी पढ़े हैं, और उसमें से फिर एक दिन बैठने के बाद मैंने वर्ड शिव जो है, नहीं वर्ड लिंक, उसको सारे में निकाला कि कितनी जगह पर वेद में और कितनी जगह पर आया मेरे पास है, कितनी जगह पर लिंक वर्ड वहाँ आया। विदाउट एक्सेप्शन, बगैर किसी इस्तेस्ना के, लिंक वर्ड वेद और सारे उपनिषदों के अंदर 108 उपनिषद जहाँ जहाँ आया उसका मतलब है साइन, निशानी, प्रतीक, नंबर वन। नंबर दो शिव, शिव जैसे शिवलिंग बोला जाता है ना जी। तो नंबर ये लिंग की बात की है, मैं शिव वेदों में एक ईश्वर का के एक गुण का नाम है, ब्रह्मा उसके पैदा करने के गुण का नाम, शिव उसके स्नान करने का गुण का नाम, उसके पालन पोषण करने के गुण का नाम, विष्णु, ये अलग अलग नहीं है। ये तीन जैसे मुसलमान ये कहते हैं कि कोई किसी ने कहा खालिक वो है, पैदा करने वाला राजिक वही है, मालिक वही है, तो ये कोई नहीं समझता अलग अलग को कह रहे, लेकिन ये पुराना बहुत है तो दरअसल डिस्टॉर्शन हो गए और लोग ये समझते हैं ये अलग अलग हैं, कोई ये उसके गुणों के नाम थे, उसके एट्रीब्यूट्स के नाम थे शिव, तो उसी एक ईश्वर के, उसी एक परमेश्वर के एक के गुणों का नाम जो था वो शिव था, जिसे महादेव कहने लगे। तो शिव जो है, शिव लिंक, इसका मतलब मैं अरबी में ट्रांसलेशन करूँ, लिंक, प्रतीक, साइन, चिन्ह, इसके लिए अरबी में वर्ड आता है आयत, इसके एग्जैक्ट मीनिंग। और मैं उसे ये कहूँ कि एक ही मालिक के एट्रीब्यूट का नाम है, उस मालिक को अरबी में कहते हैं मसलन अल्लाह कहते हैं मुसलमान, तो आयतुल्लाह ये एक उसका ट्रांसलेशन हुआ, अल्लाह की निशानी, ये एक ईश्वर की निशानी या उसका चिन्ह प्रतीक। तो वो वहाँ पर जो ब्लैक स्टोन है या जिसे संग अस्वत कहते हैं, वो है आयतुल्लाह और वो है शिवलिंग, ये दोनों एक ही मीनिंग है। तो अब इस पर तरह तरह की स्टोरीज चल पड़ती हैं और तरह तरह के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इस मीनिंग में, अगर हम लिंग का अर्थ कुछ और ले लग जाए जो बात को बदल गया बहुत से पुराणों के अंदर, तो फिर वो कुछ और चीज़ें हो जाती हैं कथाओं के साथ में। आप अगर कुछ और की बात कर रहे हैं, मैं आपको तारिक साहब एक बात बताती हूँ, आजकल मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा है, ऐसा कहा जा रहा है कि दुबई में मंदिर बन गया इसीलिए वहाँ बाढ़ आ गई, ये ज़रा क्लियर करेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत वायरल हो रही है वीडियो कि अब कहर है, ये अल्लाह का कहर है कि इसीलिए वहाँ बाढ़ आ गई है और इतना त्राही माम चल रहा है। अल्लाह का कहर वहाँ आता है जहाँ बहुत फौरन नहीं, बहुत ज़माने के बाद लोगों को समझाया जाता रहे, बताते कुरान ये कहता है, बताया जाता रहे
सही बातें, और उसके बाद फिर वो करप्ट होते चले जाएं और सही ना हो तो फिर वहाँ पर अल्लाह का कहर आता है, जिसे अजाब कहते हैं। इसलिए नहीं आता कि वहाँ पर कोई मंदिर बन गया, इसलिए अल्लाह का कहर नहीं आता कि मंदिर बन जाने से। वहाँ पर अब ग्रीनरी आ गई, वहाँ मौसम बदल गया, तो ये बाढ़ें तो आती रहेंगी अब, इसलिए कि वहाँ सीवेज सिस्टम नहीं है, उन्होंने जितने स्ट्रक्चर्स खड़े किए उसके सीवेज, तो ये बाढ़ें आगे भी आती चली जाएंगी, आती रहेंगी। ये तो एक बात हुई। तो अब उसको इससे जोड़कर, मन के अंदर संकीर्णताएँ होती हैं तो वैसे जोड़कर करते हैं, उनका अच्छा नहीं लगा उन्हें कि भाई वहाँ पर मंदिर बना, जिन लोगों को कुरान ये कहता है कि इबादत गाहों के बारे में किसी भी धर्म की हो, कुरान की आयत, कुरान की सूरह नंबर 22 आयत नंबर 40, तो उसके अंदर कुरान ये कहता है कि अगर तुमने दूसरों की इबादत गाहें, पूजा स्थल तोड़े, तो फिर समय के साथ में अल्लाह जो है वो पावर बदल देगा, तुम्हारी सत्ता बदल देगा अगर तुमने इशू कर दिया। तो कुरान कहता है कि उसके अंदर ये मैंने आयत का नंबर आपको बताया, तो ये तो खुद कुरान कह रहा है कि मना है। और उसके बाद जहाँ पर नाम लिया उसने, मस्जिद, मठ, सिनेगॉग्स और चर्चेस, जहाँ नाम लिया आयत के अंदर, वहाँ पर साथ में ये कहा कि यज़्कुरु फ़ीहा इस्मा अल्लाह कसीरा, इन सब में अल्लाह उसी का नाम लिया जाता है, और कहा कि तुम्हें ये सत्ता बदल दी जाएगी, तुम्हारी पावर नहीं रहने दी जाएगी। अगर हम हमेशा पावर को बदलते नहीं रहते तो फिर ज़मीन के ऊपर ये सब तोड़ डाले जाते, ये होते जितने हैं। तो ये किसी की इबादत गाह को, किसी मठ को, किसी चीज़ को तोड़ना तो डायरेक्ट कुरान के अंदर मना है। आपने तोड़ने की बात की, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, क्या आपने बहुत आपने रिसर्च किया है इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछूँगी, ऐसा क्यों है कि जहाँ पर मंदिर थे वहाँ पर मस्जिद भी हैं, और क्या ये इन्वेडर्स के बाद ये चीज़ें हुई हैं कि जहाँ जहाँ मंदिर थे उनको तोड़ा गया और वहाँ मस्जिद बनाया गया, क्या आपने कहीं रिसर्च में ये चीज़ पाई है? क्योंकि काशी, मथुरा आप देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, हर जगह जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद है, तो क्या ये इन्वेडर्स की वजह से है या क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मैंने तो इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, लेकिन जहाँ कहीं साबित हो जाए अगर कि यहाँ पर ज़बरदस्ती तोड़ा गया, एक तो ये होता है कि लोग नहीं रहे वहाँ के रहने वालों ने जिस किसी और धर्म को मानने लगे थे बना लिया, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वो रोकते रहे, उनके ऊपर फोर्स किया जाए और तोड़ा जाए। तोड़ने के तो पहले मैंने आपको बताया कि मना है, कुरान ने मना किया है, डायरेक्ट मना किया है कुरान के वर्ड्स के अंदर, आयत नंबर भी बताया। तो इस्लाम ये कहता है कि वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की परमिशन नहीं है किसी को अगर तोड़कर बनाया जाए। तो अगर किसी जगह ये प्रूफ हो जाए कि ये ज़बरदस्ती ज़्यादती के साथ में तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो वहाँ नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, वैध यही नहीं है अपनी जगह पर। तो अब वो इन्वेडर्स के साथ में आया हुआ होगा, इसलिए हुआ होगा कि ये अफगानिस्तान की तरफ से जो लोग आए इनमें, और एक शुरू में, बिल्कुल शुरू में जो कुछ बिजनेसमैन मुस्लिम आए थे, इधर केरल से आए थे, ये मालाबार से, उस तरफ से, इनमें बहुत फ़र्क था दोनों में। वो आए थे, वो अपनी बातें करते थे, जो कुछ कहते थे उनकी बहुत सी बातें लोग मान लेते थे और आपस में हंसी खुशी रहते थे। ये जो आए अफगानिस्तान की तरफ से, इनका इस्लाम बहुत डिस्टॉर्टेड था, ये इस्लाम के बारे में सही नहीं जानते थे। तो फिर इन्होंने जो कुछ यहाँ पर किया वो सब इस्लाम नहीं था, नाम इस्लाम का लेते थे। तो वो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी जो है वो हुई कि जो जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि ये तो बहुत गलत किया, या हमें शर्माती है ये कि बहरहाल हम क्यों आए, ये वो सही मानों में मुस्लिम कहलाने के या इस्लाम को नहीं जानते थे, उन्होंने इस तरह की बातें की, उनके साथ में थुप जाती है इस्लाम पर बात। लेकिन साथ में ये तो एक बात हुई कि उनको सही इस्लाम का मालूम नहीं था, उन्होंने अपनी ड्यूटी समझ कर अगर मंदिर तोड़े तो उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ किया। हमें उनको अपोज करना चाहिए इस मामले में, सारे मुस्लिम्स को, इसलिए कि इस्लाम तो ये कहता है कि वहाँ नमाज जायज़ ही नहीं है अगर कोई मंदिर तोड़ा गया ये साबित हो जाए तो। ये तो एक आस्पेक्ट हुआ। एक दूसरा आस्पेक्ट भी है दरअसल गौर करने का, मेरे ख्याल से सबके गौर करने का। यहाँ पर इन्वेडर्स आए, अफगान डायनेस्टी आई, मोस्टली अफगान डायनेस्टी, अरब्स नहीं थे। एक मोहम्मद बिन कासिम का एक हमला हुआ था उधर, अरब थे बस एक बार, वरना ये जो आए ये अफगान डायनेस्टी थी। हम कहते मुसलमान आए, ओके कह दिया। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया, कोई नहीं कहता, क्रिश्चियन ने किया, नाजी ने किया, कोई उसका नाम नहीं लेता। तो पुर्तगीज़ कॉलोनी थी गोवा, उन्होंने वहाँ कब्जा किया हुआ था, जो कुछ भी किया कब्जे करने के अंदर, तो कोई नहीं कहता क्रिश्चियन ने अपनी कॉलोनी बना ली थी,
पुर्तगीज कॉलोनी थी, तो बाकी सब जगह तो उनको उनके जगह के नाम से या डायनेस्टी के नाम से जोड़ा जाता है, और यहाँ पर आ जाता है मुसलमान आए, क्यों नहीं कहते कि अफगान डायनेस्टी थी, इसे धर्म से क्यों जोड़ते हैं किसी जगह जाके। तो ये भी आस्पेक्ट गौर करने का है। बहरहाल इस्लाम ये कहता है, मैं पहले बता चुका कि नहीं जाए। बस आखिर के एक दो सवाल मैं आपसे और लूंगी। 2026 में क्या होगा, मैं ये जानना चाहूंगी। बहुत सारे धर्म गुरु, बहुत सारे मौलाना लोग, बहुत सारे लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, 2026 में क्या कयामत आ जाएगी, क्या सतयुग की शुरुआत होगी, क्या होगा 2026 में? देखिए, कयामतें, कोई भी बड़ा चेंज आता है, कोई बहुत बड़ा इनकलाब, वो भी इस्लाम की भाषा में कयामत ही कहलाता है, और फिर एक बहुत बड़ा आएगा जो बिल्कुल एंड में आएगा, वो भी कयामत है, वो बड़ी कयामत है जब यहाँ पर सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये सब भी जो बड़े बड़े जो आते हैं, तो एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो इंडिकेटेड है 2026 वर्ल्ड के साथ में, नहीं इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के 1500 साल बाद, उसकी लंबी डिटेल है, मैं यहाँ पर रख सकता हूँ लेकिन टाइम लग जाएगा, सारी आयत और हदीस सब के साथ में वो भी करेंगे, लेकिन तो 1500 साल बाद को समझ लीजिए, प्रॉफिट मोहम्मद के 1500 ल्यूनर ईयर्स, चांद वाले 1500 ल्यूनर ईयर्स के बाद हम जिस जगह आते हैं वो जब सोलर ईयर के हिसाब से 2026 है, लेकिन वहाँ एक ऑप्शन है कि अगर अपने आप को सुधार लिया, ठीक कर लिया, तो 40 ईयर्स लेटर होगा जो कुछ भी होगा, और वरना 2026 में, यानी 2026 1500 साल बाद, तो 1500 साल हम प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ से गिने तो वो 2026 में हो रहे हैं, 1500 साल अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद के प्रॉफिट बनने से शुरू करें जब वो 40 ईयर्स के थे, तो ये 40 ईयर्स लेटर जाएगा। ये दो लैंडमार्क्स दिए हुए हैं जिसमें डिपेंड इस पे करता है कि हम चाहे वो मुसलमान कहलाने वाले हैं, चाहे वो हिंदू कहलाने वाले हो, हम लोग जो है वो हमारे एटीट्यूड क्या है और हमारे कैरेक्टर्स क्या है, उसके हिसाब से एक बड़ा रिवॉल्यूशन या इनकलाब, और उसको मैं समझता हूँ सतयुग का आना है वो, कि 2026 या 2065, यानी 65 का मतलब ये तो 40 साल नहीं हुए, 39 ईयर्स हुए, लेकिन ल्यूनर ईयर छोटा होता है सोलर ईयर से, तो सोलर ईयर्स में जब जाते हैं हम तो 40 साल ल्यूनर ईयर पूरे हो जाते हैं 2065 में, तो या ये दो लैंडमार्क्स जो है वो दिए गए। तो जितने भी लोग ये सवाल जो है देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सोचते भी हैं कि 2026 में क्या होगा, आपको जवाब मिल गया है। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, थोड़े समय पहले ही मेरे दिमाग में ये सवाल आया था आपसे बात करते करते, हमारे यहाँ हिंदू में बहुत सारे जैसे अलग अलग, हाँ आप भी हिंदू ही हैं, यही तो खूबसूरती है आपकी कि अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ब्राह्मण हैं अलग अलग हैं, क्षत्रिय हैं, ये जो हम जब मुस्लिम की बात करते हैं तो दो नाम आते हैं, शिया और सुन्नी, क्या डिफरेंस है शिया और सुन्नी में? लोग कहते हैं सुन्नी ज़्यादा कट्टर होते हैं, माफ़ कीजिएगा ऐसा मैंने सुना है, मैं आपसे जानना चाहूँगी शिया और सुन्नी में क्या डिफरेंस है? देखिए, कट्टर वाली बात तो रहने दें कि शिया सुन्नी ज़्यादा कट्टर होते हैं या शिया ज़्यादा कट्टर होते हैं, नंबर एक। नंबर दो बात, मैं अपने बारे में और मेरे जितने साथ में जो ज्ञान फैला है और लोग मुझे पसंद करते हैं जितने, उन सब ने डिक्लेयर कर दिया हम न शिया न सुन्नी हैं, वी आर जस्ट मुस्लिम्स। तो वेल, ये असल में शुरू में पॉलिटिकल डिफरेंस था, जिसके अंदर वो लोग जैसे, और उसके अंदर शिया जिनको कहते हैं, जिनको अपना मेन लीडर मानते हैं, वो लोग बड़े अच्छे लोग थे, और गवर्नमेंट्स जो दूसरों की आई, बनू उमैया और दूसरे बात को एक डायनेस्टीज थी, वो कुछ ज़्यादा अच्छे लोग नहीं थे, मेजॉरिटी इनकी थी, वो दबे रहे, ये दबे रहे जो अहले बैत थे या प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली के लोग थे, दबे कुचले रहे। जब भी कहीं ज़्यादा लंबे अरसे तक कोई दबा कुचला रहता है तो कुछ सीक्रेट मूवमेंट ज़रूर चलते हैं, अंदर से कोशिश करते रहते हैं कि इनको तो पावर में नहीं होना चाहिए, पावर अच्छे लोगों की होनी चाहिए। तो जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ये इनएविटेबल है कि कुछ सीक्रेट मूवमेंट्स होंगे, तो वो सीक्रेट मूवमेंट्स चले। ये हिस्टोरिकल बात ये है कि करीब करीब प्रॉफिट मोहम्मद के 350 साल बाद तक वो फिर हिस्टोरिकल मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, वो जो सीक्रेट मूवमेंट थे, तो उनको उन्होंने रिलीजियस कलर दे दिया कि तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि ऐसा होगा, कि इमाम कौन होने चाहिए, ये के शुरू में इस तरह की बातें, ये डिस्प्यूट्स नहीं थे, पॉलिटिकल डिस्प्यूट जरूर थे, वो रिलीजियस रंग ले गए। तो इसके बाद से फिर ये दोनों ग्रुप जो है वो अलग होते चले गए, ये लोग जो है जो शिया थे उससे बाकी जितने लोग हैं वो सुन्नी कहलाए, ये डिफरेंस। तो इनके ओरिजिनल जो थे वो वाकई बहुत अच्छे, यानी ज्यादा हक पर थे या सत पर थे या ज्यादा अच्छे लोग थे, जो शिया जिनके नाम लेते हैं
नॉट नेसेसरली के प्रेजेंटिया जो है वो सत्तर है यहाँ पर, यानी मेजर डिफरेंस यही है, बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं। इसकी वजह से बहुत सी चीजें बदल गई ना, कुछ फेथ में चीजें कुछ बदली गई, वो इसलिए दरअसल इस तरह मतलब एक बात यह है कि शिया चूंकि वो खुफिया रखी थी ना कुछ चीज़ें उन्होंने बीच में, अब ये तय कि भाई उन्होंने बगावत क्यों नहीं की, इमाम जाफर सादिक थे, उससे पहले हजरत अली थे, बहुत बड़े थे, जब गवर्नमेंट्स दूसरों को मिली उन्होंने उनके हाथ के ऊपर क्यों बैत कर ली या उनके साथ में क्यों रहे, उनका साथ क्यों देते रहे, क्लेम क्यों नहीं किया कि रिलीजियसली तो हमें होना चाहिए। तो अब शिया ये मानते हैं कि उन्हीं को उनका उन्हीं को होना चाहिए था, शिया ऐसा मानते, मैं इसमें नहीं कह रहा कुछ, कि उनको ही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जब मेजोरिटी जिन्हें पसंद किया उनको उन्होंने एग्री किया, उनके साथ में रहे वो। तो अब ये सारी चीज़ें जब एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि भाई उन्होंने तो ये किया था, तुम क्यों डिस्प्यूट कर रहे हो, तो फिर उसके बाद फिर एक उनको एक नया एक अकीदा जिसे कहते हैं वो लाना पड़ता है, रिलीजियस एक तरह के, ये भी इस्लाम में इजाज़त है कि कहीं अपने धर्म को छुपा लिया जाए मसलहतों में। तो फिर एक तकिया के नाम से एक चीज़ जो है वो शिया उसके अंदर आई कि झूठ बोल दो साहब अच्छाई के लिए, इसके लिए कि हमारा रिलीजन या धर्म जो है वो सेफ रह सके, इसके लिए झूठ बोल दो। कहते ऐसे ये है यानी पब्लिसिटी इसकी करते हैं कि नहीं नहीं जान का डर हो मरने तब किया जा सकता है, नहीं कर वो जहाँ पर भी अपनी कहीं एडवांटेज मिलने की बात हो मिल रहा हो तो वहाँ पर वो झूठ बोल दो और जाहिर ये करो कि जाहिर में कुछ और कर लो और अंदर कुछ और है। तो जब सीक्रेट मूवमेंट चलते हैं तो ऐसा करते हैं, लेकिन जब उसकी ज़रूरत नहीं बची और जब जान के एक दूसरे से खतरे नहीं रहे तो फिर बात ख़त्म हो जानी चाहिए। वो उसको बना दिया था फेथ का हिस्सा उस वक्त। तो इस तरीके से जैसे अब ये तकिया वाला पार्ट जो है शियों के अंदर एक्स्ट्रा आ गया और वो कहते हैं बड़ा सवाब होता है, मतलब पुण्य मिलता है जो तकिया करता है और बहुत सी चीज़ें साथ में जोड़ते हैं कि कंपलसरी है। तो इस तरीके से बहुत सी और चीज़ें भी अलग अलग हुई हैं। अब तीन सवाल जाते जाते बहुत ही जल्दी जल्दी से आपसे पूछ लेते हैं। पहला सवाल, आप तो वैसे जैसा कहते हैं हम आप हिंदू धर्म ही हैं, लेकिन जैसा सब लोग जानते हैं हिंदू धर्म नहीं है, जैसे सनातन धर्म हूँ, हिंदू हूँ मैं, इसलिए कि हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। सनातन धर्म की खूबसूरती क्या है, आपको क्या सबसे अच्छा लगता है जो सनातन धर्म में लगता है? देखिए धर्म तो खूबसूरत है ही, सनातन धर्म और इस्लाम में मैं कोई मेजर डिफरेंस ही नहीं मानता, इसलिए अलग से सनातन धर्म को कोई बहुत खूबसूरत मैं कहूँ किसी दूसरे धर्मों के मुकाबले में तो इसकी तो मैं बात नहीं करूँगा, इसलिए कि धर्म एक है, हम इसको हम बहुत से धर्म मान के कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडियन ट्रेडिशंस की बात करें तो जो प्राचीन ट्रेडिशंस यहाँ की चली आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छी थी यहाँ की, वो यहाँ का सहिष्णुता और हर एक को अकोमोडेट करना और हर एक के साथ में मोहब्बत से रहना, ये जो यहाँ की जो प्राचीन, इसमें बड़ा फ़र्क आ गया है। अब ऐसा नहीं रहा इतना, अब भी नॉर्मल लोगों के अंदर मेजॉरिटी के अंदर ऐसा ही है, तो ये सबसे बड़ी खूबी थी। सनातन की बात हो गई, इस्लाम धर्म की खूबसूरती क्या है ये जानना चाहूंगे आप अगर अलग रख लें, ऐसे बहुत है, इसलिए कि ये भी सनातन धर्म की है, जो मैं इस्लाम की बताऊंगा सनातन धर्म की है, इसलिए अलग नहीं है ना। फिर भी कुछ खूबसूरती जो उसको बहुत ही अच्छा बनाती है, जैसे मैंने कहा ना हर धर्म में खूबसूरत बहुत है, मैं उसमें से बताऊं, मतलब इस्लाम ये कहता है कि अक्ल की बात करता है, विजडम यूज करने की, लॉजिक और रैशनल, जो चीज इरेशनल है वो इस्लाम की नहीं होगी, जिसे हम लॉजिकली कॉमन सेंस से प्रूव नहीं कर सकें, चाहे जितने ही लोगों से मानते चले आ रहे हो। तो इसलिए कि दुनिया में कोई दूसरी पुस्तक ऐसी नहीं है कुरान के मुकाबले में, कोई दुनिया में आज तक छपी ही नहीं, धार्मिक ही नहीं, सारी पुस्तकों को लेके, जिसमें अक्ल को या अपनी बुद्धि का प्रयोग या अपने हम विवेक का प्रयोग करने का इतनी बार कहा गया हो, मोर देन 50 टाइम्स कुरान ने कहा एक बुक के अंदर, कि तो अकल नहीं इस्तेमाल करते, आगे जानवरों की तरह है, इन्हें शरत दवाब है, इनका जितने कीड़े मकोड़े रेंगने वाले उनसे भी बुरे हैं वो लोग, सुमो मुकुम लदी ला अकलून, ये जो गूंगो बहरो और अकल से काम नहीं लेते अपने, तो इनके मानने वालों को जो इनके ये जो धार्मिक लीडर हैं ये इनसे ये सिखाते ये कि तुम्हें अकल नहीं यूज़ करनी है धर्म में, धर्म में तो तुम्हें जो हम कह रहे हैं वो मानना है, और कुरान कह रहा है तुम्हें अपनी अकल यूज़ करनी है, रैशनली समझ कर मानना है, अगर रैशनली पे आ जाए तो इनकी इनको सबको छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने फैलाया है कि धर्म में अकल नहीं चलेगी, धर्म में तो वो चलेगी ये आस्था की बात, आस्था तो आस्था बिना उसके नहीं होगी रैशनल। तो एक जगह थोड़ी कुरान ने कहा कि ये लोग सब नरक भोगी होंगे, वलकत जराना ली जहन्नमा कसीरा मिनल जिन्न वल इंस, बहुत से इनविजिबल बीइंग भी और ह्यूमन बीइंग्स भी ये सब नरक में चले जाएंगे,
लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके मन दिल हैं लेकिन ये गौर व फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं। लहुम आयुन ला युबसिरून बिहा, आँखें हैं लेकिन नहीं देखते। लहुम आज़ानुन ला यस्मऊ, कान है लेकिन सही बात सुनते नहीं। तो उलाय का करा नाम, ये तो जानवर करते हैं ऐसा, तो ये उनसे भी गए गुजरे, लेकिन इनको तो लिबर्टी दी गई, जानवर के पास नहीं थी, इंस्टिंक्ट थी उनके पास। तो बलहुम अज़ल, ये उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे लोग हैं जो अकल यूज़ नहीं करते। तो मुसलमानों ने या उनको समझाया ऐसे किया कि अकल मत करना, तो कुरान की एक बहुत या इस्लाम की बहुत बड़ी ब्यूटी ये है, इस्लाम की है मुसलमानों की नहीं, कि उन्होंने कहा कि रैशनल बात मानी जाएगी और इरैशनल जो है वो इस्लाम की नहीं होगी, ये बिल्कुल तय है। एक चीज़, स्वर्ग नर्क की दोनों जगह ही बात की गई है, साथ ही साथ अच्छे कर्मों बुरे कर्मों की बात की ही गई है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें करते हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल, हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, मैं जानना चाहूँगी सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के लिए श्री राम क्या है, क्या मानते हैं आप श्री राम को, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति? वैसे तो हर रोल में वो फिट थे और बहुत ही अच्छे थे, लेकिन आपके लिए श्री राम कौन है? परम आदरणीय, मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने समय के उत्तम पुरुष। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आज, और बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, ऐसा होता है तारिक साहब कि लोग जब वीडियो देखते हैं ना तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, अगर आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जाने से पहले एक रिचुअल कंप्लीट करना होगा, जब भी कोई गेस्ट हमारे यहाँ आता है तो उससे मैं प्रॉमिस लेती हूँ कि, क्योंकि जनता बहुत सारे सवाल पूछती है, अब मैं तो जवाब दे नहीं सकती, तो जवाब देने के लिए गेस्ट को ही आना पड़ता है क्योंकि वो सवाल गेस्ट के लिए होता है। तो आपको जाने से पहले मेरे से प्रॉमिस करके जाना, ये रिचुअल कंप्लीट करना है कि आप अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर देने ज़रूर आएंगे। जी, मेरी जिम्मेदारी, ज़रूर आएंगे। आपने मुझसे कहा है कि मैं आऊँगा, अगर मैं नहीं आऊँगा तो मैं ये मानता हूँ, ये मेरी रिलीजियस जिम्मेदारी है, मैं ये मानता हूँ कि मुझसे ये सवाल मेरा मालिक पूछेगा मुझसे, हिसाब जब के दिन, मैं हम हिसाब के दिन को मानते हैं कि मुझसे ये हिसाब लिया जाएगा कि तुम बता सकते थे, तुमने नहीं बताया, वो भटकने दिया और तुमने एक एंकर को झूठ बोला था तो आपको आना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अपना समय दिया। झूठा नहीं पाएंगी, हम देखेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितनी भी ऑडियंस देख रही है, मैं आपको बता दूं कि तारिक साहब को बहुत ही सारे यंगस्टर्स जो है अब्बू जी भी कहते हैं। आप सोचिए क्यों, क्योंकि इनकी बातें ऐसी हैं जिनसे कि आज की यूथ जो है वो इंस्पायर हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आपके जो भी सवाल हैं कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी खास गेस्ट के साथ, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।